बहुत हो गया। और विवाह नमस्कार, एक बार फिर से आपका RCI द्वारा इस स्पेशल ट्रांसमिशन कार्यक्रम में आपका स्वागत है। जैसा कि हम जानते हैं कि आज वर्ल्ड डिजेबल डे है, विश्व विकलांगता दिवस, और पूरे देश में इस दिवस पर कुछ न कुछ कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं, और हम ये जानना चाहेंगे और ये बताना चाहेंगे कि इसका मुख्य उद्देश्य विकलांग व्यक्तियों के सशक्तिकरण के प्रति समाज में उनके रोजगार हेतु जागरूकता पैदा करना है। और इस विषय पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं डॉक्टर मनोज कुमार, जो हमारे साथ हैं चीफ कमिश्नर डिजेबिलिटी पर्सन्स विद डिजेबिलिटी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, और हमारे साथ हमारे मेंबर सेक्रेटरी डॉक्टर JP सिंह, रिहैबिलिटेशन काउंसिल ऑफ इंडिया। सर, आप दोनों का इस कार्यक्रम में स्वागत है। आज जैसा कि अभी हम चर्चा किए हैं कि वर्ल्ड डिसेबल डे पे बहुत प्रकार के कार्यक्रम हो रहे हैं, और इस विषय पर हमारे चेयरमैन साहब ने भी खासकर एक मैसेज दिया है इस विषय पर, जिसके बारे में हमारी ट्रांसमिशन ऑलरेडी हो चुकी है। फिर भी इस विषय पर आज कोई खास दिन है और हमारे साथ कमिश्नर साहब भी हैं, तो हम चाहेंगे जो कमिश्नर साहब आप ये बताएंगे, हम आपसे ही शुरुआत करते हैं, जो चाहेंगे जो एज ए चीफ कमिश्नर डिजेबिलिटी आप फंक्शन करते हैं, इस दिन से आपके इस दिवस से आज क्या शुरुआत करें, कोई नई स्कीम होगी आपके साथ में एज ए फंक्शनरी, चीफ फंक्शनरी, आप क्या कहना चाहेंगे, आप कुछ शेयर करें। चीफ कमिश्नर का जो कार्य है उस कार्य काफी क्रिटिकल कार्य है और बड़ा सेंसिटिव है, और इसमें हम लोग ये कोशिश करते हैं कि 3 दिसंबर जो मनाया जाता है पूरे विश्व में विकलांग जनों के अधिकारिता से संबंधित जो एक संकल्प लिया जाता है, उसकी पूर्ति हर दिन उसी उत्साह के साथ हो। और ये कहना कि आज एक कोई संकल्प लिया जाए, तो संकल्प तो एक ही है कि विकलांग जनों को समाज की मुख्य धारा में शामिल करना, उनके लिए सम्मानपूर्वक जीवन की व्यवस्था करना, लोगों में जागरूकता पैदा करना, और सबसे बड़ी चीज़ है कि उन्हें बराबर का अवसर, सामान्य नागरिकों की भांति उन्हें भी अवसर मिले और उनकी भागीदारी हर कार्य में सुनिश्चित की जाए। जीवन के या विकास के जो भी
आयाम हैं इस देश में चलते हैं उनमें उनकी बराबर की भागीदारी सुनिश्चित की जाए, ये एक एकमात्र संकल्प है और इस संकल्प को अन्य लोगों के लिए, समाज के लोगों के लिए नंबर याद आने के लिए हो। लेकिन मुझे तो चीफ मुख्य आयुक्त होने के नाते हर दिन यह संकल्प याद रहता है और हम निरंतर प्रयासरत रहते हैं कि हमसे कोई चूक न हो और हम हमेशा इसी चिंतन में लगे रहें कि किस प्रकार हम विकलांगजनों को समाज में एक प्रतिष्ठापूर्वक गुणवत्तापूर्वक जीवन सुनिश्चित करा सकें, उनकी उत्पादकता के आधार पर उनके उत्पादकता का आधार बढ़ाएं, और यही हमारा मुख्य उद्देश्य है। और जहां भी सरकारी नियम कानून कंसेशंस बेनिफिट्स इत्यादि की अवहेलना होती है वहां हम कैसे बीच में पढ़कर इसका उपाय निदान ढूंढ सकें और विकलांगजनों को उनका जो वाजिब हक है उसको दिलाने में हम कैसे मदद कर सकें, यही हम संकल्प लेते हैं, रोज लेते हैं। सर इसके अलावा तो कुछ जैसे कि ग्रामीण स्तर पर विकलांग बच्चों और व्यक्तियों के खासकर उसके प्रिवेंटिव मेजर्स क्या हो सकते हैं, जो इस प्रकार के बच्चे जो पैदा तो होते हैं ये तो खैर डायरेक्टली हमारे मिनिस्ट्री का काम नहीं है लेकिन मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस का भी काम है सेकेंडरी प्रिवेंटिव मेजर को लेना, इसके लिए इस बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? ये बहुत बड़ी बात आपने कही और जो प्रिवेंशन है वो सबसे आवश्यक चीज होती है। अगर किसी भी जो विकलांगता को रोक दिया जाए, रोकथाम कर ली जाए, वहीं समस्याएं काफी कम हो जाती हैं। ग्रामीण क्षेत्रों की जो बात आपने की तो ग्रामीण क्षेत्र बिहार जो भारत है वह ग्रामीण क्षेत्रों में बसता है और आप देखेंगे कि ग्रामीण क्षेत्र में जो आम समस्याएं हैं वह निश्चित रूप से सामान्य जनों के लिए भी उतनी ही दुरूह हैं और विकलांग जनों के लिए शारीरिक बाधाओं के कारण वो और भी मुश्किल हो जाता है। पहले का जब हम रेशियो देखते हैं अर्बन वर्सेस रूरल का तो पहले 80% आबादी ग्रामीण क्षेत्रों में निवास करती थी और बाकी 20% की आबादी शहरी क्षेत्रों में निवास करती थी। अभी जो नया सर्वे का रिपोर्ट आया है उसके अनुसार ग्रामीण जो जनता है, ग्रामीण जो आबादी है, उसकी आबादी इन जनरल 74% पे आके रुकी है। इसका अर्थ हुआ कि शहरों के तरफ, चूंकि हम देखते हैं कि हमारे देश में नए शहर बहुत कम बने हैं, पुराने ही शहर हैं, तो जो ग्रामीण लोग हैं रोजगार की तलाश में और जो आजकल ट्रांसपोर्टेशन की सुविधा हो गई है, बहुत सारे जॉब के, नौकरियों के और रोजगार के अवसर मिले हैं शहरी क्षेत्रों में, तो लोग माइग्रेट करते हैं। किंतु विकलांगों का जो प्रतिशत है वो मेरे ख्याल से, जो मैंने अपना अनुभव किया है ग्रामीण क्षेत्रों का दौरा करने समय, कि वह रेशियो अभी तक 80% ही है या मेरे ख्याल से वो 80% से ज़्यादा है। उसके दो कारण हैं क्यों मैं ऐसा कह रहा हूं कि विकलांग जनों की जो जनसंख्या गांव में ज़्यादा है अन्य लोगों के बनिस्पत, क्योंकि इनका मुख्य समस्या एक होता है कि इनमें मोबिलिटी की दिक्कत होती है, आप चलने फिरने में कठिनाई होती है, फैमिली मेंबर्स पे इनको डिपेंड करना पड़ता है अपने रोज के रोजमर्रा की जरूरतों के लिए। इसके अतिरिक्त इनमें स्किल का अभाव है जिससे कि बाहर जाके जो अनस्किल्ड वर्क में जो माइग्रेशन हुआ है, जो ग्रामीण पॉपुलेशन जनसंख्या शहरों की ओर ज़्यादा भागी है वो अनस्किल्ड लेबर के रूप में भागी है, तो इनमें वो नहीं होने के कारण ये जनसंख्या वही है। और विकलांगता चूंकि वहाँ प्रिवेंटिव मेजर्स जो बेसिक हेल्थ स्ट्रक्चर है वो ऐसे भी पुअर होने के कारण ही विकलांगता या अन्य बीमारियां होती हैं। और प्रिवेंशन के लिए आप देखेंगे कि जो आपका स्वास्थ्य मंत्रालय है उसने कई राष्ट्रीय प्रोग्राम चलाए हुए हैं और इन प्रोग्रामों का लाभ हर गाँव में हर व्यक्ति को उपलब्ध कराना सरकार की प्राथमिकता है। और इसमें जैसे ब्लाइंडनेस प्रिवेंशन की बात करते हैं, डेफनेस प्रिवेंशन की बात करते हैं, पोलियो उन्मूलन की बात करते हैं, तो ये सारी जो बातें हैं वो प्राइमरी प्रिवेंशन की बातें होती हैं। लेकिन हमारा एक ये इशू तो ये है कि हमने
सारे जो राज्य हैं उनके जो सचिव हैं, स्वास्थ्य सचिव हैं, उन्हें कहा है कि आप ग्रामीण क्षेत्रों में निश्चित रूप से सुनिश्चित करवाएं कि ये जितने भी आपके नेशनल प्रोग्राम्स हैं वो इफेक्टिव ढंग से लागू हो, और उसका मॉनिटरिंग का एक मैकेनिज्म आप तैयार करें, और उस मैकेनिज्म के तहत आप ये देखें कि प्रिवेंशन ठीक से हो पा रहा है कि नहीं, और इसका इंडिकेटर इससे होगा कि विकलांगता का प्रतिशत घटता है या बढ़ता है, इससे पता चलता है कि आपका प्रिवेंटिव मेजर्स कितना सक्सेसफुल है। और इसके लिए आप जब तक शीघ्र हस्तक्षेप की बात नहीं करेंगे, बच्चों को आइडेंटिफाई करने की बात नहीं करेंगे, तो आपको काफी देर हो जाती है पता करने में कि आपका प्रिवेंटिव मेजर्स जो आपने प्राइमरी प्रिवेंशन के लिए लिया वो सक्सेसफुल हुआ कि नहीं। अब जैसे डेफनेस आपका हुआ, किसी बच्चे को आयोडीन डेफिशिएंसी के चलते मानसिक मंदता हुई, तो आपके पास ग्रामीण जो पीएससी होते हैं, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र हैं, या ब्लॉक लेवल पे जो स्वास्थ्य केंद्र होते हैं, वहां यह सुविधा होनी चाहिए, या फिर ICDS के जो वर्कर्स हैं, आशा के जो वर्कर्स हैं, उन्हें यह जानकारी होनी चाहिए कि शीघ्रता शीघ्र कैसे जो बच्चे के जन्म के अविलंब बाद हम कैसे यह पता कर सकें कि उस बच्चे में किसी प्रकार की विकलांगता होने की संभावना है कि नहीं। और ये जो हाई रिस्क रजिस्टर्स होते हैं जिससे पता चल सकता है कि बच्चे में ये कोई किसी प्रकार की विकलांगता है कि नहीं, वो स्टैंडर्ड फॉर्मेट है, उसको सर्कुलेट करें, उसके बारे में ट्रेनिंग दें, और इसके बाद ही आपको पता चल सकता है कि प्राइमरी प्रिवेंशन के मेजर्स आपने जो अभी लिए उसका तुरंत कितना असर हुआ, और नहीं तो इसका असर पता होते होते 3-4 साल लग जाता है। तो मेरा मुख्य काम इम्प्लीमेंट करना नहीं होता है, मेरा काम होता है एज ए मुख्य आयुक्त ये कार्य होता है कि नॉन इम्प्लीमेंटेशन जहां होती है या मॉनिटरिंग की बात होती है वहां मेरा रोल होता है। तो हम ये सुनिश्चित करने के लिए कहते हैं, और किसी भी बात की जानकारी जब हमें मिलती है, हम टेस्ट चेक करते हैं कहीं जाके, तो उस सैंपल्स के आधार पर हम बोलते हैं देखिए आपका काम ठीक से नहीं हो पा रहा है, आप इसके ऊपर थोड़ा ध्यान दें और इसे ऐसा कोशिश करें कि प्रिवेंशन हो अच्छे ढंग से। रही बात सेकेंडरी प्रिवेंशन की, तो सेकेंडरी प्रिवेंशन तो कार्य है जो उसमें कई विभाग शामिल हो जाते हैं, तो जैसे उसमें एक इंटर डिपार्टमेंटल लिंकेज का जो बात होता है, कन्वर्जेंस की जो बात होती है, उसकी बात जब तक सतही तौर पर हम नहीं करेंगे, सतह पर नहीं लाएंगे, उसके बारे में एक गंभीर संवेदनशील चिंतन नहीं किया जाएगा के अंदर, और जो स्टेक होल्डर्स हैं, जो एग्जीक्यूटर्स हैं, तब तक हम समझते हैं कि जो सही जो आउटकम होता है वो हमें नहीं प्राप्त होगा। इसके लिए आपको मैं बता दूं कि कई विभाग जो मैंने कहा इसमें शामिल होते हैं, तो जैसे छोटे बच्चों के लिए है वो ICDS जो आपका कार्यक्रम चलता है, आशा वर्कर्स हैं तो इनका कन्वर्जेंस चाहिए, तो वहां पे आंगनवाड़ी में इनका कार्य होता है कि कुपोषण को देखना, कोई बच्चा या जो गर्भवती महिलाएं हैं वो कुपोषित ना हो, जिससे कि विकलांगता को प्रिवेंट किया जाए। इसके बाद अगर बच्चा जन्म लेता है तो उन्हें इस प्रकार की ट्रेनिंग होनी चाहिए आंगनवाड़ी वर्कर्स को कि वो आइडेंटिफाई कर सकें। आइडेंटिफाई करने के बाद अगर ये उनको लगता है हाई रिस्क रजिस्टर पर किस बच्चे में संभावना है कि कोई विकलांगता हो सकती है, तो उसे अविलंब कोई नियरेस्ट डिस्ट्रिक्ट लेवल पे कोई सेंटर होना चाहिए जहां पर कि इन्वेस्टिगेशन हो सके उस बच्चे का, कि वहां पर उनका सही में डायग्नोसिस किया जाए, निदान किया जाए, कि उसको कंफर्म करने के लिए कि उसको विकलांगता है कि नहीं। अगर विकलांगता प्रूव होती है तो विकलांगता का एक थ्योरी है कि जितना जल्दी हम हस्तक्षेप शुरू करेंगे, विकलांगता के होने के और हस्तक्षेप के बीच जितनी कम दूरी होगी उतना ही अर्ली इंटरवेंशन। अर्ली इंटरवेंशन का अर्थ यही होता है कि अगर आप आज आपको ज्ञात हुआ कि किसी बच्चे में विकलांगता है तो कितनी जल्दी आप करते हैं उसके हस्तक्षेप, तो जितना समय शुरुआत करने में और जानकारी प्राप्त होने में समय बीतेगा उतना उसका इन्वर्सली प्रोपोर्शनल आपका रहेगा उसका इंप्रूवमेंट। तो आपको ये गैप को मिनिमाइज करना है, तो उसको करने के लिए आपको हर डिस्ट्रिक्ट लेवल पे आपको कुछ ना कुछ व्यवस्था करनी पड़ेगी कि वहां शीघ्र हस्तक्षेप हो, और उसके बाद आंगनवाड़ी अर्ली इंटरवेंशन आपके परव्यू में आता है, आप लोग इसको मॉनिटर करते हैं या फिर दूसरी एजेंसी है मॉनिटर करती है? देखिए विकलांगता का जहां तक सवाल है
तो मैं पहले बता दूं, मुख्य आयुक्त एवं जो हमारे राज्य निषक्ता आयुक्त हैं उनका कार्य क्या क्या है, इसको जानना बहुत आवश्यक है। बताएं आप। तो पहला कार्य होता है इनका कि जो भी फाइल होता है सरकारी स्तर पर किसी भी विभाग में हो, उस फंड का जो विकलांगता का कंपोनेंट है उसमें विकलांगजनों के लिए, उसका यूटिलाइजेशन को मॉनिटर करना। तो कोई भी आज के जो हमारे देश में जो भी कार्यक्रम है, विकासात्मक कार्यक्रम है, वो कोई भी प्रोग्राम ऐसा नहीं है जो कि इंक्लूसिव नहीं है, चाहे स्वास्थ्य संबंधित हो, शिक्षा संबंधित हो, रोजगार से संबंधित हो, कोई भी कार्यक्रम हो, सारा प्रोग्राम इंक्लूसिव है। और जिस विभाग में भी वो आता है वो विभाग मेरे परव्यू में आता है। गुड, यानी कि खासकर मतलब कि इस तरह के मॉनिटरिंग प्रोग्राम भी पर्सन विद डिसेबिलिटी सीसीडी के परव्यू में आते हैं। हम फर्दर ये चर्चा करेंगे, जैसा कि उन्होंने बताया जो खासकर जो फंक्शन सीसीडी का फंक्शन क्या है, चीफ कमिश्नर डिसेबिलिटी, ये मॉनिटरिंग मैंने आपको बताया, और भी काम होते हैं इसके, मैं बता दूं पहले उसको जी, कि क्या क्या काम है। दूसरा काम होता है कि जो फंड्स हैं इसकी मॉनिटरिंग होगी। दूसरा काम होता है कि कमिश्नर्स और विभागों के बीच में सामंजस्य स्थापित करना, यानी स्टेट कमिश्नर डिसेबिलिटी, स्टेट कमिश्नर डिसेबिलिटीज, और स्टेट कमिश्नर डिसेबिलिटीज का काम है विभिन्न विभागों के बीच में सामंजस्य स्थापित करना और मुख्य आयुक्त को रिपोर्ट करना। मतलब टारगेट रहता है एम्पावरमेंट ऑफ पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज, पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज, सरकार ने जो भी योजनाएं बनाए, जो भी नियम बनाए, उसका प्रॉपर इम्प्लीमेंटेशन हो रहा है कि नहीं, अनुपालन हो रहा है कि नहीं, विभिन्न विभागों के द्वारा वो किया जा रहा है कि नहीं, उसकी मॉनिटरिंग करना, उसको रिपोर्ट करना, आपको करना करना है, जिससे कि इसकी योजनाएं वहां तक पहुंच सके। और तीसरा मुख्य कारण जो कार्य होता है वह होता है कि स्वविवेक के आधार पर अथवा किसी भी शिकायत मिलने के आधार पर जो विकलांगजन हैं उनके अधिकारों का संरक्षण करने का जो पावर है वो चीफ कमिश्नर को है, और इसके लिए सिविल कोर्ट्स के पावर दिए गए हैं चीफ कमिश्नर को। कहीं से भी डायरेक्टली या इनडायरेक्टली किसी भी विभाग या सरकार या जो लोक उपक्रम है, पीएसयू जिसे कहते हैं, या कोई भी ऐसा कार्य हो जहां पर कि आम विकलांग जन को कठिनाई हो रही है, तो सीधा वहां पर वो मेरे पास कंप्लेन कर सकते हैं, या राज्यों में आयुक्त के पास कंप्लेन कर सकते हैं, या फिर मेरे नोटिस में अगर आता है, अगर अखबार में भी कोई न्यूज आता है तो मैं स्वविवेक के आधार पर उसके ऊपर एक्शन लेता हूँ। सर, सबसे बड़ी समस्या तो विकलांग लोगों के, खासकर मजे की ग्रामीण क्षेत्रों में हैं, उन लोगों के डिजेबिलिटी सर्टिफिकेट के बारे में होती है, जो कि न्यूज़ आपके पास आती होगी और ये, लेकिन सब कोई इतने सक्षम नहीं है जो आप तक ये बात पहुंचा सके, तो इसके बारे में आप क्या, आपकी क्या राय है? बिल्कुल, बहुत सही, और आज के परिप्रेक्ष्य में ये सबसे अहम सवाल आपने किया, क्योंकि जो सरकारी लाभ जो हैं, कोई कंसेशन या बेनिफिट का लाभ तभी आपको मिल सकता है जब आपके पास वो सर्टिफिकेट होता है कि आप 40% से ऊपर विकलांग हैं कि नहीं। जी, 40% से ज़्यादा विकलांगता होने की स्थिति में ही आप किसी भी लाभ के लिए हकदार होते हैं। और अगर सर्टिफिकेट नहीं है तो हम कितनी भी घोषणाएं कर दें, कितनी भी योजनाएं बना लें, उसका लाभ आम जनता को नहीं मिलेगा। तो जब मैंने इसके ऊपर ध्यान दिया तो मैंने ये पाया कि पूरे देश में जो एवरेज स्थिति थी विकलांगता प्रमाण पत्र की, वो 15% थी लगभग। जी, मात्र 15% विकलांग जनों को जो डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट था। और आप ग्रामीण क्षेत्रों की बात करते हैं, मैं राष्ट्रीय राजधानी की बात करता हूं, यहां मात्र 5% विकलांगजनों को सर्टिफिकेट इशू किया गया था। अभी भी बहुत कॉम्प्लेक्स प्रोसीड्यूर्स गुजरना पड़ता है सर्टिफिकेट लेने के लिए, खासकर प्रोसीजर कॉम्प्लेक्स, एक फिर यही बात होती है, माइंडसेट की बात होती है। कॉम्प्लेक्स प्रोसीजर नहीं होता है, प्रोसीजर कॉम्प्लेक्स बनाया जाता है। प्रोसीजर कोई ऐसा होता है, कोई भी प्रोसीजर या कानून जो बनता है वो लोगों को लाभ देने के लिए बनता है, न कि लाभ को रोकने के लिए बनता है। और हमारे यहाँ कुछ लोगों की टेंडेंसीज होती है, वो समझते हैं कानून बना है रोकने के लिए। कानून बना है जो सही आदमी उस तक लाभ पहुंचाने के लिए, उसको सही न्याय देने के लिए, और जो गलत हैं उनको रोकने के लिए बना है। किंतु विडंबना होती है कि इस प्रोसेस में ज्यादा जेन्युइन लोग फंसते हैं। तो इसमें
हमने क्या किया फिर कि इसमें जो प्रोसीजर है उसका बड़ा सिंपल आपको मैं एग्जांपल दूंगा, और उसका मैं अभी बता दूंगा कि कैसे प्रोसीजर कॉम्प्लेक्स था और कैसे प्रोसीजर कैसे इंप्रूव, वही सिस्टम है, कोई सिस्टम चेंज नहीं किया, बट उसका देखिए चेंज क्या हुआ। हमने काफी चिट्ठियां लिखी, पहले मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ को लिखी, सारे स्टेट के चीफ सेक्रेटरीज को लिखे, सारे हेल्थ सेक्रेटरीज को लिखे, और 2 साल मैं प्रयासरत रहा कि किसी प्रकार इन लोगों के मन में कोई असर हो, दिल पे कोई असर हो, और ये लोग इस सच्चाई को जाने कि क्या कर रहे हैं वो। लेकिन जब मैंने देखा कि यहाँ कुछ नहीं हो रहा है, तो मुझे अपने सिविल कोर्ट के पावर्स का उपयोग करना पड़ा बड़े दुख के साथ, और मैंने 3500 राज्य के मुख्य सचिव, प्रधान सचिव जो होते हैं, जो चीफ सेक्रेटरी जिन्हें कहते हैं, जी यूनियन टेरिटरीज और स्टेट्स के, मैंने सबको शो कॉज नोटिस इशू कर दिया कि आपके यहां डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट की अद्यतन स्थिति क्या है, और आप बताएं कि इसको कितने दिनों के अंदर में आप पूरा करेंगे। और हमने उन्हें दिवस निर्धारित कर दिया कि इतने दिवस के अंदर आप कोशिश करें कि गांव गांव में जाकर कैंप कैंप लगा कर लगाकर ये समस्या डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट नहीं मिलने की विकलांग जनों की नहीं है, ये आपकी समस्या है कि आप कैसे उन तक पहुंच के उनका सर्टिफिकेट देंगे। आपने नियम बनाया है, मैं आपके ऑफिस में जाता हूं 4 दिन दौड़ना पड़ता है, तो मैं क्यों दौड़ूंगा, आप आके बना दूंगे। बिल्कुल सही कहा। और इसके बाद स्थिति ये हुई कि अभी एवरेज, नेशनल एवरेज 7-8 महीने बीते हैं, मात्र 26% पर पहुंच गया, यानी काफी अच्छा और अपलब्धि है आपको सर। कुछ राज्य ने एक्स्ट्राऑर्डिनरी किया, झारखंड जैसे राज्य में आपको आश्चर्य होगा कि 98% विकलांग जनों को डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट मिल गया है। उस दिन सेक्रेटरीज की रिव्यू मीटिंग में बता रहे थे सारे सेक्रेटरी, जब मैंने कहा झारखंड की बात, झारखंड के सेक्रेटरी भी थे, उन्होंने कहा कि हमने किया है, तो बड़े सारे सेक्रेटरी ने कहा कि हम लोगों ने भी, किसी ने कहा 50% पूरा कर दिया, किसी ने 45, रिपोर्ट आने बाकी है, मैं 26% कर रहा हूं। कुछ दिन पहले जो रिपोर्ट आए थे, अभी तक मेरे ख्याल से काफी ज्यादा नंबर बढ़ गए होंगे, तो प्रोसीजर वही है। यानी कि आपके इंटरफेरेंस से और आपके हाथ उसमें क्या हुआ कि जैसे चीफ सेक्रेटरी कुछ जो थे बहुत सेंसिटिव, उन्होंने अपनी अध्यक्षता में एक कमिटी बना दी और वो हर सप्ताह उसको मॉनिटर करना उन्होंने शुरू कर दिया, और उन्होंने कहा कि ये मेरी समस्या नहीं है, आप बना के लाइए, कहां से लाएंगे। और वहां पे फिर कई मल्टीपल मेडिकल बोर्ड्स बन गए, जो डेजिग्नेट करना है आपको कि कौन बोर्ड का चीफ रहेगा, कानून बोलता है कि आप चीफ सेक्रेटरी रहेगा, लेकिन सवाल है कि नौकरी के लिए आपको बहुत प्रॉपर सर्टिफिकेट की जरूरत है, और यहाँ पे कोई ये नहीं है कि 70% विकलांग रहेगा तो ज्यादा लाभ मिल जाएगा और ऐसा 45% कुछ रहेगा कम मिलेगा। जी बिल्कुल। तो उसको उन्होंने किया, और उन्होंने ये क्या कहते हैं उसको, पुल आउट किया रिसोर्सेस को, रिसोर्सेस की कमी हर राज्य में है, स्पेशलिस्ट की कमी है, तो उन्होंने क्या किया कि जैसे उनके यहाँ स्टील अथॉरिटी है, टाटाज का हॉस्पिटल्स है, निम ये जो उनका रिम्स है, रांची इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज है, उसके बाद आपको वहाँ साइकेट्रिक CIP है, सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ साइकेट्री है, सारे जगह से रिसोर्सेज को पुल आउट किया, और उसके बाद कमिटीज बनाई और डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट्स को इंट्रस्ट कर दिया और हर समय उसका रिव्यू किया, वहां होने लगा। उड़ीसा में हुआ अच्छा काम, उन्होंने हर जिले में सिंगल विंडो सिस्टम बना दिया, आपको छत्तीसगढ़ में उन्होंने दिवस निर्धारित कर दिया, बिहार की क्या स्थिति है सर, बिहार में क्योंकि भी आप बिहार के रहने वाले, आप उनके बारे बिहार में। में भी पहले से बहुत अच्छी स्थिति है, बिहार में भी बहुत अच्छी स्थिति है, और पहले से ज्यादा पॉजिटिव लोग हुए हैं, और अभी हमने उसके लिए हियरिंग भी रख दिया है, जहां पर रिपोर्ट्स नहीं आया है अब हमने उनको कहा है कि आप कोर्ट में आए हियरिंग के लिए, जहां जहां रिस्पॉन्स यानी नहीं आ रहा है उसके लिए आप कोर्ट भी ऑर्गेनाइज कर रहे कोर्ट हो। ऑर्गेनाइज कर रहे हैं, और निश्चित रूप से जब आप, तो उसमें है कि ये सीरियसनेस ऑफ द इशू, ये यानी सबसे फायदा महत्वपूर्ण, मिल रहा है सर, बिल्कुल फायदा फायदा मिल मिल रहा रहा है, है सर। बिल्कुल सर फायदा मिल एक्चुअली रहा है। बिल्कुल सही कहा हम, और आपसे कुछ और भी इन्फॉर्मेशन लेंगे, खासकर एजुकेशन एंड ट्रेनिंग के बारे में, खासकर विकलांग बच्चों व्यक्तियों के बारे में। लेकिन हमारे साथ डॉक्टर JP सिंह भी है, मेंबर सेक्रेटरी सही। हम सर से ये जानना चाहेंगे, जो एजुकेशन एंड ट्रेनिंग पर हम चर्चा करेंगे चीफ कमिश्नर साहब से, इसके लिए हम आपसे जाना, इसके पहले जानना चाहेंगे आपसे, जो इसमें हम क्या कर रहे हैं, RCI क्या कर रही है, खासकर एजुकेशन ट्रेनिंग पोजीशन पे।
खासकर मैन पावर डेवलपमेंट की बात पर हम करेंगे, क्योंकि सबसे पहले तो हम चीफ कमिश्नर डिसेबिलिटी का धन्यवाद देंगे कि हमारे स्टूडियो में आए और सभी से इंटरेक्ट कर रहे हैं, सभी से बात कर रहे हैं, और हमारे जो सुनने वाले सभी प्रोफेशनल्स हैं, रिहा प्रोफेशनल्स जहाँ भी हैं कंट्री में, हमारे जितने स्टूडियो चैनल्स पे हैं, जितने सेंटर्स पे हैं, उन सभी लोगों को धन्यवाद दूंगा कि वो आज आए और हमारी बात को सुन रहे हैं। चर्चा का विषय यही है कि इस डिसेबिलिटी डे पे हम लोग क्या करें। हर साल डिसेबिलिटी डे आता है, एवरी ईयर वी सेलिब्रेट डिसेबिलिटी डे। व्हाट इज़ द विजन ऑफ RCI, व्हाट इज़ द विजन ऑफ CCD, हम लोगों को एक्ट मिला है, हाउ आर वी गोइंग टू इम्प्लीमेंट आवर ओन एक्ट्स, किस तरीके से बेनिफिट सभी सोसाइटी को हो। RCI का विजन बहुत क्लियर है कि मनोज जी ने बताया अभी CCD है, जस्ट नाउ इन्फॉर्म एवरीबॉडी दैट प्रिवेंशन यू नीड मेडिकल लेवल समबडी टू अर्ली आइडेंटिफाई इट। अर्ली आइडेंटिफाई करने के लिए उन्होंने सिंपल से एग्जाम्पल दिया, ICDS वर्कर, आंगनवाड़ी वर्कर्स और जो आशा वर्कर्स। हमारा क्या काम है कि उन लोगों को ट्रेनिंग मिल जाए, ट्रेनिंग के लिए हम लोग मॉड्यूल बनाते हैं उस तरीके से जिससे वो पहुंच सके। प्रिवेंशन के बारे में बताया, मेडिकल प्रोग्राम में हम लोगों ने ट्रेनिंग का एक छोटा सा मॉड्यूल डाला, प्रोग्राम डेवलप करने की प्रोग्राम डेवलपमेंट। हमारा ये कहने का मतलब है, RCA का विजन बहुत क्लियर है कि जो भी किसी चीज को एक पूरे पोटेंशियल पे लाने के लिए कोई फैसिलिटेट करना चाहिए। एक सिंपल सा एग्जांपल है, हमको अपने पाला, सबसे पहले हम जब पैदा हुए तो इमीडिएटली जो भी था हमारे माँ बाप ने देखा, माँ बाप को उस चीज को समझ सकते थे नॉर्मलिटी में, जैसे हम पढ़ते हैं ना, पर्सन विद डिसेबिलिटी में कुछ चैलेंजेस हैं, कुछ डिफिकल्टीज हैं, उसको समझने के लिए, माँ बाप को समझने के लिए उनको हमने कुछ प्रोग्राम, माँ बाप से बच्चा हम स्कूल में गए तो हमने स्कूल का टीचर को पढ़ाता है, उसी तरीके से क्या है बच्चा भी स्कूल में जाना चाहिए। आज हम ह्यूमन राइट की बात कर रहे हैं, वर्ल्ड डिसेबिलिटी डे पे चल रहा है, हमारे यहाँ सुबह सुबह मंत्री जी ने भी बताया कि हम लोगों ने ह्यूमन राइट्स पे एक्ट साइन किया है जो कि मैंडेटरी है। बहुत क्लियर है कि हमको इनकी डिग्निटी मेंटेन करनी है, उस डिग्निटी मेंटेन करने के लिए, उसका पूरा पोटेंशियल लाने के लिए, समाज का एक हमारा अपना अंग बनने के लिए, जहाँ जहाँ पे इन्होंने बोला वहाँ वहाँ पे हम एक फैसिलिटेटर क्रिएट कर रहे हैं। फिर आदमी जब एडल्टहुड में जाता है, एडल्टहुड में वोकेशनल ट्रेनिंग के लिए चाहिए ट्रेनर, तो हमारा यही है कि उस आदमी के लिए जहाँ से भी हो सके, जो भी जरूरत समाज की हो, वो हम उस तरह के आदमी वहाँ पर रखें, लाएं। फैमिली है उसको, वो जो घर होती है ना, हम अपने बच्चे के लिए क्या करें। चाइल्ड इज बॉर्न डिसेबिलिटी, नाउ अर्ली इंटरवेंशन हॉस्पिटल में जा रहे हैं, वेदर द मेडिकल डॉक्टर इज सेंसिटाइज, वेदर द आशा आंगनवाड़ी वर्कर कैन आइडेंटिफाई दैट, उन सब चीज़ों के लिए हम लोग ट्रेनिंग प्रोग्राम बनाते हैं। ट्रेनिंग प्रोग्राम बनाने के बाद हम एड ऑन करते हैं। अल्टीमेट गोल ये है, वो बच्चा अपने पूरे पोटेंशियल पे आके हमारे समाज का पार्ट बन जाए। अभी CCD ने बताया किस तरीके से, इन्होंने डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट के बारे में बताया कि कैसे कैसे इशू हो सकता है। ये डिफिकल्टी है रूरल विलेजेस में, बगैर हमको उनके पास जाए बहुत मुश्किल है कि वो हमारे पास आ सके, डिसेबल्ड हैं। PSC से हम थोड़ा सा अगर बगल में कैंप लगाने लगे, उस गांव के क्षेत्र में लगाएं, ICDS आंगनवाड़ी वर्कर्स रिहैब प्रोफेशनल जो हमारे हैं सोसाइटी में, उनके साथ मिलके करें तो कैंप और जल्दी से लगेंगे, डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट और इशू होगा। जब डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट मिल जाएगा तो वो आदमी को जितनी कंसेशन बता रहे हैं वो मिलने लगेंगे। तो हमारा यही कहने का मतलब है कि काउंसिल का ऑब्जेक्टिव बहुत क्लियर है, हमको खाली परेशानी होती है, जैसे CCD ने बोला है अभी कि मॉनिटरिंग फंड्स रिलीज वगैरह, हम तो ये कहते हैं कि उस मॉनिटरिंग के ऊपर भी कहीं ना कहीं इस तरीके से गौर किया जाए कि फंड उस तरफ जा रहा है कि नहीं जा रहा। कई लोग फंड होते हुए भी डिसेबिलिटी की तरफ फंड नहीं रिलीज करते हैं, फंड की कमी नहीं होगी अगर हमको 3% जो बोला जाता है कि हमारा 3% प्लान में हर मिनिस्ट्री अपना अपना 3% हमको बजट देती, तो उसी तरीके से वो नीचे तक फ्लो करता है। तो 3% अगर वो लोग देते हैं तो डिसेबिलिटी का जो हिस्सा जो है अगर वो मिलता है तो उसमें काफ़ी सर्विसेज प्रोवाइड की जा सकती हैं। वो अगर उस पर मॉनिटर करें कि 3% खर्च करें, रूरल डेवलपमेंट वाला रूरल डेवलपमेंट में खर्च करें, तो हमारे जो विकलांग भाई जो भी हैं, जो भी भाई बहन हैं, उनको हम ट्रेनिंग करके इतना अच्छा बना देंगे कि उनको फैसिलिटी से जॉब एम्प्लॉयमेंट मिलने लगेगी, बाकी को मिल सकता है उनको भी मिलेगा। कोशिश यही करना है कि उनके फंड उस जगह पर रिलीज होने लगे, उस क्षेत्र में उन्होंने रिलीज किया कि नहीं किया, केवल ये ना हो कि हमने ये रिलीज किया हम इतना किया।
आप 3% खर्च कर रहे हैं, आपको क्या परेशानी है डिसेबिलिटी के बेसिस में, क्यों नहीं आप उनको सर्विसेज दे पा रहे। हेल्थ वाले अगर 3% खर्च करेंगे तो सर्विसेज ऑटोमेटिकली पहुंचेंगी, जो उनको मैन पावर चाहिए जैसे भी चाहिए वो हम लोग प्रोवाइड करेंगे, ट्रेनिंग की इंफ्रास्ट्रक्चर को और बड़ा करेंगे। वही चीज़ हम कहना चाहते हैं। अभी जो जैसा इन्होंने चर्चा किया खाली प्रिवेंशन पे किया, मेरे ख्याल से इनका एक और भी रोल है जो एजुकेशन का रोल है। सीसीडी का एक उसमें मैंडेट है कि एजुकेशन पे है। यूएनसीआरपीडी में जो अभी जो लेटेस्ट यूएन का कन्वेंशन आया है उसमें भी आर्टिकल 24 में दिया हुआ है कि क्वालिफाइड प्रोफेशनल होना चाहिए, ट्रेंड आदमी होना चाहिए। हम अब चैरिटी के बेसिस पे हम नहीं कर सकते कि किसी को चंदा दे दिया और वो हो गया। नहीं, पढ़ा लिखा आदमी, उसका हक है कि पढ़े लिखे आदमी के द्वारा हम पढ़ाए जाएं। अब तक किसी भी स्कूल में जाते हैं तो उसको पढ़ाने के लिए एक टीचर क्वालिफाइड है जो उसको समझ सकता है। हमारा भी यही कहना है कि सीसीडी से हम यही रिक्वेस्ट करेंगे आज के दिन कि वो देखें कि जब हम बोल रहे हैं कि ये समाज का अंग है, इंक्लूजन में जा रहा है, बच्चा पढ़ने जा रहा है, तो कोई ना कोई उसको समझने, उसकी डिफिकल्टीज को समझने के लिए टीचर भी उसी तरीके से रखे जाएं, सेंसिटाइज किए जाएं, जिससे उस बच्चे को ऐसा ना महसूस हो कि हम आ तो गए क्लासरूम में लेकिन हमको समझने वाला कोई नहीं है। यही सब चीज़ें इनके एक्ट में है, उसमें सीसीडी गौर बता सकते हैं। सर एक्चुअली ये तो मैन पावर डेवलपमेंट की बात हुई जो बताया, जो हम आरसीआई भी कुछ प्रोग्राम शॉर्ट टर्म प्रोग्राम डेवलप करने जा रही है और करेगी। जैसे कि सर कुछ जैसे कि अभी रिसेंटली हमारे चैनल पर एक इन्फॉर्मेशन जा रही थी, शॉर्ट टर्म प्रोग्राम हम साइन लैंग्वेज इंटरप्रेटर के लिए करने जा रहे हैं, इसके बारे में कुछ बताएंगे, जिस बेसिकली पर्पस क्या है इस प्रोग्राम का? सर देखिए, कम्युनिकेशन किसी भी से हम ये हमको इसलिए विचार आया कि हमने एक इंटरप्रेटर का कोर्स तो चला रखा है लेकिन डिफ़िकल्टी क्या कुछ प्रोफेशनल्स के पास ही है, लेकिन समाज के हर आदमी उस पर कम्युनिकेशन में पार्टिसिपेट कर सकता है। एक एक लैंग्वेज है, लैंग्वेज सीखने के लिए वॉलंटियर्स भी हो सकते हैं, कल कोई भी इंटरप्रेट कर सकता है, तो कैसे कर सकता है। हमने क्या किया है, हम एक ये जो बेसिक मॉड्यूल लॉन्च कर रहे हैं जिससे कि हम भी बात कर सके, हमको भी उत्सुकता है कि एक बच्चा हमारा जा रहा है हम उससे कैसे बात करें, तो केवल साइन लैंग्वेज के लिए एक बेसिक मॉड्यूल कर रहे हैं। और हम सभी सेंटर से यही रिक्वेस्ट करेंगे कि उस दिन जब भी हमारे 10 तारीख से प्रोग्राम चल रहे हैं, हम रोज 1 घंटे करेंगे और हम कोशिश करेंगे कि आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा उसमें आके पार्टिसिपेट करें और 1 महीने इस प्रोग्राम को समझने की कोशिश करें, सीखने की कोशिश करें। और हम ये भी कर रहे हैं कोशिश कि यहाँ पर जो हमारे हियरिंग इम्पेयर्ड के जो लोग हैं वो लोग आएंगे, मदर फादर आएंगे उनके, वो लोग बात करेंगे आपस में, आपको सिखाएंगे कि आम आदमी किस तरीके से किसी डेफ बच्चे से बात कर सकता है, इसमें कोई परेशानी नहीं है, वो बहुत सिंपल है, केवल थोड़ा सा समय देने की ज़रूरत है। अगर हम उनकी भाषा सीख जाए तो हमको कोई मुसीबत नहीं होगी, कोई डिफिकल्टी नहीं होगी उसकी प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए। कोई भी टीचर ज्वाइन कर सकता है इस प्रोग्राम को, ये बिल्कुल बेसिक मॉड्यूल है, यानी इससे फ़ायदा होगा, फ़ायदा होगा कम्युनिटी को, एट लार्ज फ़ायदा पहुँचेगा। सर कमिश्नर साहब आप ये बताएं, खास का भी तो हम चर्चा कर रहे थे एजुकेशन और ट्रेनिंग पार्ट पे, ये तो हम इस प्रोग्राम मैन पावर डेवलपमेंट की बात कर रहे हैं, लेकिन एक्चुअली जब ये प्रोफेशनल ट्रेनिंग लेने के बाद ट्रेन होकर जब काम करते हैं पर्सन विद डिसेबिलिटी के साथ में, तो उस कंडीशन में सर चूँकि एज ए चीफ कमिश्नर आपका रोल कहीं ज़्यादा है, उसको देखना कुछ बोलेंगे इसके बारे में, प्रोफेशनल्स के बारे में फैसिलिटीज जो मिल रही है पर्सन विद डिसेबिलिटी को, खासकर एजुकेशन के बारे में, चाहे सर्व शिक्षा अभियान में या ग्रामीण स्तर जो भी हो रहे हैं। एजुकेशन तो हर लोग इससे एग्री करते हैं कि उससे इम्पॉर्टेंट जो सिविलाइज सोसाइटी के लिए कोई दूसरा हो नहीं सकता है इम्पॉर्टेंट चीज़। और एक्ट का चैप्टर 5 जो है सेक्शन 26 से लेकर सेक्शन 31 तक, यानी पीडब्ल्यूडी एक्ट के बारे में, पर्सन विद डिसेबिलिटी एक्ट, ये पूरा डिवोटेड है कि जो विकलांग बच्चे हैं उन्हें कैसे आपको शिक्षा देना है, क्या क्या उनके लिए आपको मुहैया करानी है और क्या इंश्योर करना है कि हर बच्चा विकलांगता से ग्रसित हर बच्चा कैसे शिक्षा की मुख्य धारा में आए और आम नागरिकों के जैसा शिक्षित हो और उसी के जैसा डिग्निफाइड लाइफ जिए। और सबसे पहला जो है आपका सेक्शन 26 वो बोलता है कि द एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट एंड द लोकल अथॉरिटीज शैल इंश्योर
that every child with disability has access to free education in an appropriate environment till he attains the age of 18 years. तो सर इस बात को कैसे इंश्योर करते हैं? अभी भी अब आपको मैं बता मना कर दिया था एडमिशन लेने से. हाँ, वही मैं बता रहा हूं आपको. अब ये जो आपको एक चीज बता दूं, एक्ट कोई भी जो बनता है जी, तो एक्ट में बनता है काफी ब्रेन स्टॉर्मिंग के बाद बनता है. बहुत सारे एक्सपर्ट्स बैठे रहते हैं, बहुत सारे स्पेशलिस्ट रहते हैं, और जो बैठक होती है उसमें क्या जो कोर्स ऑफ डिस्कशन पूरा डिटेल नहीं लिखा रहता है, वो एक सेंटेंस के फॉर्म में आता है, स्टेटमेंट के फॉर्म में आता है. और अगर मान लीजिए कोई एक्ट 15 साल पहले बना, 10 साल पहले बना, तो किस परिप्रेक्ष्य में क्या डिस्कशन हुआ था वो डिटेल मिनट्स के ही नहीं लिखा रहता है, वो नहीं मिलेगा. अब ये जो आता है स्टेटमेंट, इसको अब जिस आदमी के हाथ में लगता है वो आदमी अपने ढंग से उसका इंटरप्रिटेशन करता है. लेकिन कोर ऑफ द इशू ये है कि जब आप पॉजिटिव सोचेंगे तो एक्ट का सही दर्शन आपको नजर आएगा जी, नहीं तो नहीं आएगा. फिर आप फिर ऑब्स्ट्रक्शन करने की बात करेंगे. ये बात मेरे जहन में हमेशा से रही, अप्रोप्रिएट इन्वायरमेंट. तो हमने हर मीटिंग में, इवन जीओएम की मीटिंग हो, चाहे स्टेट में रिव्यू करने में जाता हूँ, सेक्रेटरी एचआरडी से बात करता हूँ, तो मैं हमेशा, या हमारे जो सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी, सेंट्रल कोऑर्डिनेशन कमेटी की मीटिंग होती है, तो मैं ये जरूर बोलता हूँ कि नो वन हैज डिस्क्राइब्ड और डिसाइडेड और डिफाइंड द अप्रोप्रिएटनेस ऑफ इन्वायरमेंट फॉर चिल्ड्रेन विद डिसेबिलिटीज. व्हाट शुड बी अप्रोप्रिएट, नो वन नो स्टिल नाउ. मिनिस्ट्री, लेकिन ये चीज ये एक्ट में है, ये बात है एक्ट में. आपका 26 ए है, आपका पहला वही लिखा हुआ स्टेटमेंट एजुकेशन के चैप्टर में. बट बेसिकली दिया हुआ है, जो इंप्लीमेंटर है वो उसको अपने ढंग से उसको बदल रहा है. अब आप समझिए एनवायरमेंट उसके अब इन्वायरमेंट वैसा एनवायरमेंट क्रिएट करो बच्चे के पढ़ने की, जो आप आम आदमी को सुविधा देते हैं वही सुविधा उसको भी बच्चों को मिलनी चाहिए. बस इसमें वो सोच का विचार है मेरे का. देखिए उसका विचार क्या है, हम इंक्लूसिव सोसाइटी की बात करते हैं, इंक्लूसिव ग्रोथ की बात करते हैं, इंक्लूसिव डेवलपमेंट की बात करते हैं. ये पूरा समाज आज के समय में, पूरा विश्व इंक्लूसिव ग्रोथ, इंक्लूसिव ग्रोथ की बात करता है, इंक्लूसिव डेवलपमेंट की बात करता है. और इंक्लूसिव ग्रोथ और डेवलपमेंट का पहला कोर एसेंस जो है वो है कि आप किसी, हमारे पास मल्टी कल्चरल, मल्टी डाइवर्सिटी और मल्टी लिंग्विस्टिक सोसाइटी है, और वहां पर आपको इंक्लूजन का मतलब क्या है कि आपकी कमियों और आपकी जो मजबूतियां हैं उसको ध्यान में रखकर आपको जो सूट करे वो सिस्टम, वो वातावरण मैं अगर नहीं देने के काबिल हूं तो इंक्लूजन नहीं हो सकता है. ये इंक्लूजन का कोर इशू है कि यू हैव टू डिसाइड दैट व्हाट इज द डिफिकल्टी विथ अ पर्सन हु इज इंटेंडेड टू बी इंक्लूडेड, उसका क्या स्ट्रेंथ है. आप वो नहीं दीजिएगा कैसे इंक्लूजन होगा. तो ये तो एक तरह से कॉन्ट्राडिक्टिव हो जाता है. डिसेबल बच्चा है, हियरिंग हैंडीकैप्ड है, वो सुन नहीं पाता है, आप उसको सुनने की व्यवस्था नहीं कीजिएगा, उसको समझने वाले आदमी की व्यवस्था नहीं कीजिएगा स्कूल में, और कहिएगा कि वो इंक्लूसिव क्लासरूम हो गया. आपका थ्योरी इंक्लूसिव हो सकता है, क्लासरूम इंक्लूसिव कभी नहीं हो सकता है. आपकी थ्योरी होगी हम इंक्लूसिव क्लास चला रहे हैं, इंक्लूसिव स्कूल चला रहे हैं, इंक्लूसिव मेरा पॉलिसी है, मिनिस्ट्री ऑफ एचआरडी की पॉलिसी है. दे हैव कम आउट विद बिग पॉलिसी ऑफ इंक्लूसिव एजुकेशन फॉर चिल्ड्रन एंड यूथ विद डिसेबिलिटी. कई बार हम जो माफ करिएगा इंटरप्ट किया है, अभी इंक्लूजन का भी कई बार लगता है डेफिनेशन भी क्लियर नहीं है. कई ऐसे सेंटर्स हैं हमने देखा है कि बगल में स्कूल के बगल में एक सेक्शन है और वहां पर वो पढ़ाते हैं और वो बोलते हैं इंक्लूजन में है. एक बच्चा बीच में लंच कर लेता है या कॉफी पी लेता है या चाय पी लेता है, उसको वो इंक्लूजन समझने लगे हैं. डिफरेंस भी लोगों को मालूम नहीं, एक ये हवा जैसा बना रखा है. इंक्लूजन कोई नई चीज नहीं, हमारे समाज में आपको पता है जब पंचतंत्र पढ़ाया जाता था उस जमाने से हम लोग इकट्ठे थे. हम ही लोगों ने इनको अलग कर दिया, स्पेशल स्कूल बना दिया और आप बोलते इंक्लूजन. हम अपने कल्चर को भूल गए, कहीं मुझे ऐसा लगता है इस तरीके से. आप बिल्कुल सही कि हम अपने कल्चर को भूल गए, अपना जो हमारा जो विश्वास था हमने उसको अपना कहीं ना कहीं डिगा दिया. ये बच्चे उसी लायक हैं, उनके उनमें हर कैपेबिलिटी है, कहीं ना कहीं हमको ध्यान देने की जरूरत है कि अपना माइंडसेट चेंज करने की जरूरत है. इस बच्चे के लिए ऐसे ऐसे हो सकता है,
यही मैं कहना चाहता हूँ इस समय। तो इंक्लूसिव की जो आपने बात कही वो बिल्कुल सही बोली। विश्व में सर खासकर मैं देखिए सॉरी खासकर मैंने देखा है ये तो गांव में या प्राइमरी स्कूल में सरकारी स्कूलों में डिजेबल बच्चों को इन्वायरमेंट अप्रोप्रिएट नहीं हो वो तो हम मानते हैं, लेकिन वहाँ पे कम से कम उनको दाखिला दिया जाता है जो सीवियर केसेस नहीं है। लेकिन इंक्लूसिव की जब हम बात करते हैं, जब हम देखते हैं यहाँ पर खासकर दिल्ली ऐसे हम जहाँ पे महानगरी में है जो देश का राजधानी है, यहाँ पर किसी भी सरकारी स्कूल में हमने नहीं देखा है जो मतलब कि डिजेबल बच्चों को वहाँ एडमिशन देते हुए, और यहाँ तो खासकर स्कूलों में मना भी कर दिया जाता है सर। देखिए पहले बात तो मैं डॉक्टर जेपी सिंह ने जो बात कही ना वो बहुत ही बड़ी बात कही जी सर, कि हम लोग कोई भी वेस्टर्न कंट्री कुछ बोलता है तो तुरंत एक्ट और रिएक्ट करते हैं। बिल्कुल सही कहा। ठीक है, ये जो विश्व में विश्व परिदृश्य में जो इंक्लूजन का शब्द आया वो रेशियल डिफरेंसेस के चलते अमेरिका में शुरू हुआ और बाद में विकलांग बच्चों के जो अभिभावक थे उसमें शामिल हो गए, और हमारे देश में इंक्लूजन का जो इन्होंने कहा पंचतंत्र की बात जी 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 उस समय शुरू हुआ पंडित विष्णु शर्मा के समय में, आचार्य विष्णु शर्मा के समय में, कि उन्होंने जो राजा थे कौन वर्मा राजा थे उनके तीन पुत्र थे जी, कौन कोई शक्ति से उनका नाम जुड़ा हुआ था याद नहीं आ रहा है मुझे, वो जो मेंटली सब नॉर्मल थे उन बच्चों की कमजोरियों को पहचाना आचार्य विष्णु शर्मा ने, उनको पढ़ाया और उनको पढ़ाने के लिए टेक्स्ट डेवलप किया जो पंचतंत्र जो और पंचतंत्र जो है शायद बहुत कम लोग जानते होंगे कि ये पंचतंत्र स्पेशल एजुकेशन की किताबें थी, लेकिन किसी ने आज तक ये कोशिश नहीं किया जानने के लिए कि पंचतंत्र था किसके लिए। इसीलिए नहीं कोशिश की कि वो इंक्लूसिव थ्योरी पर बेस्ड था, वहां आपको डिस्क्रिमिनेट करने की बात नहीं थी, वहां थी कि ऐसा पुस्तक बनाओ कि जिसको कम बुद्धि है वो भी ज्ञान प्राप्त कर ले और जिसको सामान्य बुद्धि है उस ज्यादा अच्छा ज्ञान प्राप्त कर। जी जी वो उसी तरह ये इंक्लूसिव एजुकेशन का है, वो एप्रोप्रिएटनेस ऑफ एनवायरनमेंट है ना, कि मेरी आपको बॉटम पे जाना होगा ना, कुएं में कोई व्यक्ति गिर गया आप ऊपर से कहे ऊपर चले आओ, वहां पे रस्सी गिर रही है वहां पे एक हुक है पकड़ के आ जाओ, और एक होता है आप नीचे चले गए और उसको साथ में उठा के ले आए। तो इंक्लूजन मतलब वो होता है कि आप उसके स्तर पर जाके उसकी समस्याओं को पहचाने, उसको आइडेंटिफाई करें और उसकी समस्याओं का निवारण आपको प्रैक्टिकल निवारण खोजना पड़ेगा। तो यहाँ क्या दिक्कत जो आपने कही दूसरी बात ये कही इनमें कि लोग जो पॉलिसी मेकर्स हैं उनकी गलती बहुत नहीं होती है, मैं बिल्कुल वहां डिफर करता हूं, और भारत सरकार जैसे जो योजनाएं बनाती योजनाओं की कोई दोष का तो कोई दोष नहीं, योजनाएं और पॉलिसी हमारे देश में जितनी अच्छी बनती है, बहुत बनी है विश्व में नहीं बनती हैं। और मैं उसको तुलना करता हूं अपने यहां योजनाएं और पॉलिसीज की कि बादलों में जैसी बूंदे बनती है वैसी शुद्ध बनती है, यहां कोई कंटेमिनेशन नहीं होता है और तब तक शुद्ध रहती है जब तक कि धरती पर न गिर जाए। वही हालत हमारे यहाँ योजनाओं की और स्कीम्स की और पॉलिसीज की है, वो जहां एग्जीक्यूटर के हाथ में लगा वो कंटेमिनेटेड वायलेटेड हो जाता है, वो अपने ढंग से इंटरप्रिटेशन करते हैं। और स्टेट फेडरल सिस्टम का एक डिफेक्ट है कि स्टेट मैटर है, आप पैसा देने के भागी हैं, आप ये मत पूछिए हमसे कि हमने कैसे यूज किया कैसे जी, ये बहुत बड़ी समस्या है। आपका इंक्लूसिव एजुकेशन के लिए फंड देगा सर्व शिक्षा के लिए भारत सरकार, लेकिन ये सिर्फ उनको रिक्वेस्ट कर सकता है कि आप ऐसे कर दीजिएगा। जब हम बात करते हैं यहाँ पर सेंट्रल में तो बोलते हैं कि हमने तो कह दिया, आपने जैसा कहा हमने चिट्ठी लिख दी, ये स्टेट मैटर है, स्टेट में बात करते हैं बल्कि हम लोग देखेंगे हम लोग को डिफिकल्टीज है। तो बेसिकली हम जैसे हम समझते हैं इसका मतलब ये जो समाज है उसको खुद ही ऊपर आके अपना हक मांगना पड़ेगा। यू हैव ये डिमांड सेंट्रल गवर्नमेंट ने बनाया, हमने कंसेशन बनाया, कंसेशन उस बच्चे तक कैसे पहुंचे, ग्रांट आप बता रहे हैं कि जा ही रही है सेंट्रल गवर्नमेंट से जाता है, उस बच्चे को नहीं मालूम, उसके माँ बाप को नहीं मालूम कि ये अवेलेबल है, इन्फॉर्मेशन पहुंचे और वो अपना हक मांगे, इसका मतलब है कि हमको फैमिली को किसी तरीके से बताना पड़ेगा। और हम तो अपने प्रोफेशनल के द्वारा ये रिक्वेस्ट करेंगे कि जितनी जगह पे है फैमिली को आगे लाइए, पेरेंट्स को आगे लाइए, जब वो आगे आएंगे उसके बेसिस पे हर काम बढ़ेगा, वो अपना राइट्स मांगे। पेरेंट जब तक आगे समाज में नहीं आएगा, प्रोफेशनल्स को थोड़ा पीछे रह के थोड़ा उनको सपोर्ट करके आगे ले आइए, जब वो आगे आएंगे डिमांड करेंगे कि हमको हमारे बच्चे के साथ हमको क्वालिफाइड टीचर चाहिए, हमको फैसिलिटेटर चाहिए, हमको सपोर्ट सर्विसेज चाहिए जो आम आदमी को मिलता है, जिससे हमारा बच्चा भी उसी लायक हो जाए, तब हमारे ख्याल से जो आप जो कह रहे हैं उस पर अपने आप इम्प्लीमेंटेशन होगा। पॉलिसीज अच्छी हैं, आप सही बता रहे हैं, हमारे यहाँ नेशनल पॉलिसी फॉर रिपुटेशन बना, उसमें बोला गया कि हमने एजुकेशन को HRD मिनिस्ट्री के द्वारा दे दिया, हमारी पॉलिसी अभी जो बनी स्पेशल स्कूल नहीं
एजुकेशन जनरल एजुकेशन में जाएगा। और आज ये जो यूएनसीआरपीडी का जो एक्ट हमारे मंत्री जी ने सुबह बताया हमको वहां पर जो ये वर्ल्ड डिसेबल डे पे हुआ कि ये मैंडेटरी है। जब इंक्लूजन एचआरडी देख रहा है तो एचआरडी को ये भी देखना चाहिए कि इसके साथ जो इसकी सपोर्ट सर्विसेज है, अभी उनका जो ध्यान जाता है कि टीचर, कुछ टीचर अपने 5 दिन में सेंसिटाइज कर दिए, 10 दिन, इसको मजाक बना के नहीं लेना चाहिए। हमारा ये कहने का मतलब है एक आदमी को सीरियसनेस इशू आना चाहिए, उसमें सपोर्ट सर्विसेज उसको चाहिए, क्लासरूम के अंदर नहीं, क्लासरूम के बाहर से उसको ऑडियोलॉजिस्ट चाहिए, साइकोलॉजिस्ट चाहिए, सोशल वर्कर चाहिए, हर चीज का उसको कहीं ना कहीं जरूरत है, उनको उस रूप में उस चीज को देखना पड़ेगा। देखिए नोडल मिनिस्ट्री जो होता है ना उसका मुख्य कार्य होता है कि बाकी जो संबंधित विभाग हैं उसके साथ सामंजस्य स्थापित करना, ईगो फैक्टर को खत्म करना पड़ेगा, अहंकार कि हमारा है, आप कौन होते हैं बोलने वाले। तो एक जो चीफ कमिश्नर और कमिश्नर का ऑफिस है ये बीच में डिसेबल्ड बच्चों के हित के लिए बना हुआ है, और मॉनिटरिंग ऑफ फंड्स की बात होती है, आप स्टेट गवर्नमेंट को आप अगर डायरेक्ट नहीं इंटरवीन कर सकते हैं कि क्या वो कैसे यूटिलाइज करता है जैसे होना चाहिए, तो कमिश्नर से पूछना चाहिए हमारे कि आपके डिसेबल्ड बच्चे के लिए हमने इतना पैसा दिया, आप थोड़ा दिखवाएं कि ठीक से यूटिलाइज हो रहा है कि नहीं, तो कभी नहीं पूछते। तो और दूसरा इन्वायरमेंट, वातावरण की जब हम बात करते हैं तो एक घर से वातावरण नहीं बनता है, एक रूम से या एक व्यक्ति से नहीं बनता, एक पेड़ से नहीं बनता है। वातावरण का डेफिनेशन कोई इतना आसान डेफिनेशन नहीं है। जब बच्चे के एप्रोप्रिएट इन्वायरमेंट, उचित वातावरण की बात करते हैं तो क्या उचित होगा ये डिसाइड करना पड़ेगा कि विकलांग बच्चा विद्यालय में जाएगा तो उस विद्यालय में उसके जरूरत के अनुसार कैसा वातावरण होना चाहिए, इसकी इसको परिभाषित करने की आवश्यकता है और मिनिमम नॉर्म्स एस्टैब्लिश करने की बात है। इससे कम आपका नहीं होना चाहिए वातावरण, इससे कम होगा तो आपका ग्रांट कटेल कर दिया जाएगा, आपके ऊपर एक्शन लेगा, अकाउंटेबिलिटी फिक्स करने की बात होनी चाहिए कि जिसे नहीं किया वो सजा भुगते। तो ये बहुत जरूरी है और आपने काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट रेज किया कि मिनिस्ट्री ऑफ एचआरडी सिर्फ ये कह के नहीं अपना पल्ला झाड़ सकती है कि हमने पैसा दे दिया वो यूटिलाइज नहीं किया, स्टेट मैटर है, दे हैव टू, अब आरसीआई है, दे आर एक्सपर्ट्स इन ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट, आप उनसे पूछिए कि भाई हम कैसे अपने टीचर्स को वहां इक्विप कर सके वातावरण बनाने के लिए, बच्चों को शिक्षा के लिए जो रिसोर्स पर्संस है, रिसोर्स मटेरियल्स है, उसके लिए जब भारत सरकार ने स्टैट्यूट बनाया हुआ है, स्टैट्यूट पार्लियामेंट का होता है और ये चूंकि किसी मिनिस्ट्री के अंदर आता है, वो नोडल मिनिस्ट्री है इसलिए उसके अंदर आता है, इसका मतलब उसका जो ज्यूरिडिक्शन लिमिट नहीं है एक मिनिस्ट्री के अंदर, आपका ज्यूरिडिक्शन तो पूरे देश में है, हर मिनिस्ट्री हर विभाग जहां भी विकलांग बच्चे को पठन पाठन से संबंधित बात होगी वो ज्यूरिडिक्शन आरसीआई का है, मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस का नहीं है, बट स्टैट्यूट पार्लियामेंट के द्वारा बनाया गया है, आपका हर जगह ज्यूरिडिक्शन है। तो आपसे पूछना चाहिए कि ये फलाने फलाना हमको कार्यक्रम करना है, इसके लिए एनवायरनमेंट बनाना है, पठन पाठन की सामग्री बनानी है, शिक्षक को प्रशिक्षित करना है, आप सजेस्ट करें कि हम कैसे इस तक पहुंच सकते हैं, बच्चे के लिए उचित वातावरण कैसे बना सकते हैं। मॉनिटरिंग ऑफ फंड्स की बात है, चीफ कमिश्नर को उनको बोलना चाहिए, कमिश्नर को हमारे स्टेट में कमिश्नर को बोलना चाहिए कि आप थोड़ा देखें हमने जो पैसा दिया तो आरसीआई ने जो सजेस्ट किया था उचित वातावरण के लिए ये हेड होना चाहिए, उसमें प्रॉपर यूटिलाइजेशन हो रहा है कि नहीं आप थोड़ा देखें। तो कन्वर्जेंस नहीं करेंगे तब तक नहीं संभव होगा। हम बात करते रहेंगे स्टूडियोज में, हम रिव्यूज में बात करते रहेंगे, मीटिंग से बात उठाते रहेंगे, लेकिन जब तक ये आपसी तालमेल सामंजस्य स्थापित नहीं होगा और जो विभाग, जो स्टैट्यूट, जो कानून जिस चीज के लिए बना हुआ है उसका सम्मान अगर सरकारी विभाग नहीं करेगा तो दूसरा कौन करेगा जी। मेरा कहना यह है मिनिस्ट्री ऑफ एचआरडी रहे या मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस रहे, आपने कानून एक बनाया तो उस कानून का आप अगर रक्षा नहीं करेंगे सरकारी विभाग होने के बावजूद तो दूसरा कौन करेगा। अगर कल एक एनजीओ अगर नहीं मानता है आरसीआई की बात, आप उसके ऊपर एक्शन लेते हैं। कभी कभी हमें क्यों लेंगे? नहीं, हमें कभी कभी ऐसा महसूस होता है कि हम लोग अपने रूल में इतने एडमेंट हो गए हैं, कभी नहीं सोचते कि जो रूल बनाया गया है किसी ऑब्जेक्टिव से बनाया गया है, हम उस रूल को लकीर की तरीके से देखते हैं कि क ख ग लिखा है तो हम क ख ग करेंगे, उसको कोई पर्पज ऑब्जेक्टिव है, अगर उसमें आपको कुछ परेशानी हो रही है तो लोगों को बदलना चाहिए। ये हमने देखा, हमारी ये जो विकलांग भाई लोग हैं या बहन लोग हैं, इनको जब ट्रेनिंग दी जाती है, कोई जॉब ट्रेनिंग, अभी तक तो एजुकेशन का हो गया, एजुकेशन के बाद अब इनको जॉब मिलना है, जब इनको एम्प्लॉयमेंट के लिए ट्रेनिंग दी जाती है तो कोई एजेंसी बोलती नहीं ये हमारे तरीके से क्वालिफाइड नहीं है। अरे भाई, हमारा तो ये कहने का मतलब है, जितना है, आपने बोला जितना वो समझ सकता है
उसके अकॉर्डिंग उसको सर्टिफिकेट दो, उतने अकॉर्डिंग वो चले, उस लायक काम दिया जाए। अपनी वो जो मानसिकता है, जो मेंटल एटीट्यूड है, उसको चेंज नहीं कर पा रहे, इसका आप इस पर कुछ कह सकते हैं? देखिए, शॉर्ट टर्म गोल, लॉन्ग टर्म गोल, दो गोल होता है। हम लॉन्ग टर्म गोल की जब बात करेंगे तो वो बहुत आइडियलिस्टिक होता है और आइडियल को पूरा करने में समय लगता है, तो हमें एडहॉक व्यवस्था करने की आवश्यकता होती है कि आज कंकरेंट नीड जिस चीज की है, जरूरतें हैं आज की जरूरत, उसके लिए हमें एक प्लान बनाने की जरूरत होती है कि हाँ ठीक है, ये तो आइडियल है कि हम सब जगह विशेष शिक्षक बहाल करेंगे, सब बच्चे को ये मिल जाए, वो मिल जाए, सबसे उत्तम तरीके का मिले, तो दैट इज द अल्टीमेट गोल। बट आज जो जरूरत है उसकी बहुत जरूरत है कि आज हम क्या कर रहे हैं, क्या हमारे रिसोर्सेज हैं और किस रिसोर्स तक हम पहुंच सकते हैं, कि ये मकसद ये है जो कानून की बात आपने कही कि हम लोग एडमिट हो जाते हैं, पहले ही हमने शुरुआत में यही, इसलिए हमने इनडायरेक्टली इस पर चर्चा की थी कि कानून बना होता है किसी को लाभ देने के लिए, योजना को क्रियान्वित करने के लिए, रोकने के लिए नहीं होता है। रोकने के लिए होता है कि वो कानून कि कोई गलत काम ना हो जाए, सही काम रुक जाए, इसके लिए कोई कानून नहीं बना हुआ। विकलांग बच्चे को एक शिक्षक, प्रशिक्षित शिक्षक पढ़ाए, ये कानून बच्चे के एजुकेशन को रोकने के लिए तो नहीं बना है, उन्हें देने के लिए बना, उन्हें देने के लिए बना है। आप अगर नहीं पढ़ा सकते हैं, इसे हमारा ही मंत्रालय है, वो बोलता है कि आरसीआई से रजिस्टर्ड आपको नहीं रहेगा टीचर तो आपको नहीं मान्यता मिलेगी, आपको ग्रांट नहीं मिलेगा। अब सवाल है कि अगर हम कैलकुलेट करें, आज कैलकुलेट करें कि पूरे सर्व शिक्षा में जितने अपॉइंटमेंट्स हुए हैं विशेष शिक्षक के, स्पेशल स्कूल्स में जितने आज के डेल में सैंक्शन प्रोजेक्ट्स में जितने टीचर्स हैं और हमने जितने ट्रेन किए हमारे यहाँ रजिस्टर्ड हैं, मैच करेगा? नहीं सर, वो मैच तो नहीं कर पा रहा है, लेकिन चूंकि कुछ फिगर इसमें अगर हम कुछ कहना चाहें, जैसे कि आपने कहा मैच नहीं करेगा, लेकिन वास्तव में हमारे जो एग्जैक्ट जो हमारे रजिस्टर्ड जो हमारे प्रोफेशनल या पर्सनल हैं, एग्जैक्ट उनका फिगर और जो जितने हमने ट्रेन किया है, दोनों में भी फ़र्क है। बहुत सारे जो हैं जो ट्रेन लिए, क्वालिफिकेशन अटेंड किया, जॉब कर रहे हैं, लेकिन उन्होंने रजिस्ट्रेशन करवाने की अपनी आवश्यकता नहीं। दूसरी बात बताऊं, मैंने बात कंप्लीट नहीं किया अभी। जी सर, जी सर, तो हमने बात कंप्लीट नहीं किया, इसलिए आपने कहा ऐसा। तो हमारा क्या है, कानून तो बड़ा उत्तम है, हमने एक अच्छा ऑब्जेक्टिव लेके किया है कि हमारे बच्चों को जो सबसे उत्तम व्यवस्था मिले, लेकिन उसमें हमें समय लग सकता है, तो उसके लिए जो आपने 3 महीने का ट्रेनिंग इसीलिए बनाया, फाउंडेशनल कोर्स आपने क्यों बनाया 3 महीने का, कि हम बच्चों तक नहीं पहुंच सकते? जी बिल्कुल, ठीक है, फैसिलिटेट करने के लिए उसको तो मान्यता मिलनी चाहिए उनकी देर है। किसी भी संस्थान की, किसी की भी क्या गलती है अगर शिक्षक नहीं है, तो जो उपलब्ध है वो तो संसाधन से उसी संसाधन को, लेकिन उसमें आपने बड़ा अच्छा प्रावधान किया है, 5 साल में आपको लेवल ट्रेनिंग हो जानी चाहिए, तो आपने कितना अच्छा कानून बनाया, कितना अच्छा उसमें फ्लेक्सिबिलिटी डाला। अब क्या करते हैं, सर्व शिक्षा में क्या हो रहा है कि वो क्या करेंगे कि फाउंडेशन कोर्स करा दिया, उसके बाद उनका काम खत्म, वो कभी प्लान आप आज तक बताएं कि जितने भी फाउंडेशन कोर्स सरकारी स्तर पर कराए गए उसमें से एक भी लड़के ने आज तक रेगुलर कोर्स किया? फिलहाल जो इस प्रकार के नहीं, कुछ लोगों ने किया है, वो अपने शौक से किया होगा, सरकार ने नहीं करा। कुछ केसेज हैं जो हमारे इस पर, जो हमारे मैं जानता हूँ, उतना नहीं है, लेकिन बीएड भी आपका कोरेस्पोंडेंस चला है सिर्फ इसी कारण से, फाउंडेशन के चलते नहीं चला, फाउंडेशन मिनिमम वो चला है कि जो काम करते हुए लोग भी हमारे साथ जुड़ जाए। आज आपकी जरूरतें अगर रेगुलर कोर्स से पूरी हो जाएगी, आज आप बनाए नहीं हो पाएगा, तो आपने एडहॉक व्यवस्था की कैसे हम ज्यादा से ज्यादा बच्चों तक पहुंच सकते हैं। और भी करने जा रहे हैं, अब तो हम ऐसे करेंगे कि छोटे छोटे प्रोग्राम बनाएंगे। हमारा जो आरसीए का विजन है कि हर गांव में, जैसे 6,22,000 हम लोग गांव बोलते हैं, हर गांव में एक आदमी कम से कम पहुंच जाए, चाहे प्राइमरी लेवल तक के टीचर हो या सेकेंडरी लेवल तक का हो। कैसे करना है इस पर हम लोग विचार कर रहे हैं, कोशिश यही रहेगी कि छोटे छोटे मॉड्यूल बना के, आपने 3 महीने का जो बताया ना फाउंडेशन कोर्स, इस तरीके से हम छोटे छोटे कोर्स हर जगह से करेंगे। अपने हमारे जो एनजीओज हैं, जो 3,000 है वो है, उन लोगों को हम लोग कोशिश करेंगे कि वो छोटे प्रोग्राम जो चला सकते हैं, जिसकी जो कैपेबिलिटी है वो प्रोग्राम चलाए हमारे, हम इस प्रोग्राम को इस तरीके से बांट देंगे, कोई शाम को चलाए, कोई सुबह चलाए, इस तरीके से कोशिश कर रहे हैं। बच्चों की शिक्षा की बात जब हम कर रहे हैं, तो वहां हमें एक चीज ध्यान देने की बहुत जरूरत है कि टेकर्स कौन होगा कोर्स का, और टेकर्स कोर्स वही करेगा जहां एम्प्लॉयमेंट का भी हो जाएगा। इसीलिए हम चाहते हैं एसएससी में किस तरीके से एसएससी में हो जाएगा। तो अभी आपको मैं एग्जांपल देता हूं, जैसे आपका एक ट्रेनिंग प्रोग्राम चलता है डीवीआर का, डिप्लोमा इन वोकेशनल रिहैबिलिटेशन,
उसके टेकर्स आपको मिनिमम है, उसका कारण क्या है कि उसको सर्व शिक्षा ने मान्यता नहीं दी है और उसके ट्रेंड लोगों को अपॉइंटमेंट नहीं मिलता है। अब वहां देखिए, आप देखेंगे जब एसएसए का स्कीम जब देखेंगे तो उस स्कीम में वोकेशनल ट्रेनिंग भी डाला हुआ है, तो उसके लिए डाल सकते हैं, उसको रख सकते तो रख सकते हैं। तो आरसीआई का काम क्या है कि सर्व शिक्षा का जो स्कीम है उसको स्टडी करें बढ़िया से, और जहां जहां आपका कोर्स फिट हो सकता है जी वही कोर्स आप चलाएं उसके स्कीम, क्योंकि उस स्कीम में अगर रहेगा कि ये काम करना है आपको तो वो उसको डिनाई नहीं कर सकते हैं। आप जब परस्यू करेंगे तो उसके इतर नहीं करें, हम इतर करना होगा तो पहले उनको लिखेंगे कि ये कोर्स चला रहे हैं उसको भी आप स्कीम में शामिल कीजिए, जब शामिल कर दें तो हम कोर्स को चलाएं। अभी जो स्कीम है उसको हम लोग स्टडी कर लें, स्टडी करके उसमें हम लोग ब्रेकअप बना दें और डिफरेंट काइंड्स ऑफ प्रोग्राम डेवलप कर लें और वहां सब मिनिस्ट्री ऑफ एचआरडी से डायलॉग करके कि ये सब सब शिक्षा को मैसेज भेज दें। मुझे आप कहेंगे, मैं सारे सेक्रेटरी एजुकेशन को लिख दूंगा, अगर आप करेंगे मैं लिख दूंगा सबको कि ये सारे हुए हैं और चूंकि शिक्षकों का अभाव है इसलिए आप अविलंब इसको आप लागू करें और सारे बच्चों को जो जो भी ट्रेनिंग लेते हैं आरसीआई से उनको इस प्रकार की आप ही लेवल बताएंगे उनका लेवल क्या रहेगा, उनका सैलरी स्ट्रक्चर जो सर्व शिक्षा के अनुसार ही डिफरेंट स्टेट का एक कॉमन बना के आप कर देंगे और उसमें आप कंडीशन लगा देंगे कि इतना दिन तक ये करेगा इसके बाद इस लेवल का कोर्स कर लेगा। और जो आप एक्रेडिशन की बात करते हैं कि भाई ठीक है कॉरेस्पोंडेंस करके उसको एडिंग पॉइंट्स करते जाएं कि बाद में एक लंबा कोर्स उसका डेवलप हो जाए 3-4 साल में और वो लड़का फिर एक रेगुलर मॉड्यूल 3 महीना 6 महीना करके कर रहे हैं। अब तो हमारा प्लान क्या है कि देखिए हमारी मिनिस्ट्री ने हमको जैसे बताया था फंड्स की प्रॉब्लम नहीं होती है, ये स्टूडियो सेटअप करवाया हम लोगों ने मीडिया लैब से, आज के दिन में कम से कम 350 हमारे सैटेलाइट सेंटर है और आपको ये सुनकर खुशी होगी कि हमारी मंत्री जी ने हमको 500 सेंटर के लिए और परमिशन दिया था, वो भी बढ़ रहे हैं। तो इस साल के अंत तक मतलब फाइनेंशियल ईयर नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर तक हम हमारे कम से कम 750-800 सेंटर होंगे यहाँ पर, होंगे वो है। प्लस हमने एक पुनर्भवा पोर्टल खोल रखा है, हमारी कोशिश ये है कि हम वेब बेस्ड प्रोग्राम भी करें, इसका प्रयोग स्टूडियो का प्रयोग करें, जो अच्छे अच्छे टीचर लाएंगे यहाँ से पढ़ाएंगे, पोर्टल पे हम वेब बेस्ड पे छोटे छोटे कंपोनेंट बना के देंगे, सर्टिफिकेट लें, डिप्लोमा लें, प्रैक्टिकल ट्रेनिंग के लिए वो हम जो हमारे 3000 जो हम बता रहे हैं एनजीओस हैं जहाँ भी जाएं इतना आसान बना देंगे कि अगर कोई भी इस फील्ड में आना चाहे और किसी भी लेवल पे ट्रेनिंग करना चाहे तो वो कर सकता है, घर पे बैठ के कर सकता है, स्कूल में है तो कर सकता है, वो हम कोशिश कर रहे हैं, उसी हमारा आगे का विजन है। उम्मीद ये है कि 6,22,000 गांव में अगले 2-3 साल में हमारा कोई ना कोई आदमी पहुंच जाए। मैं निश्चित, मुझे भी विश्वास है आपकी कर्मठता को, मैं आज करीब करीब 20 सालों से देखता आ रहा हूं और मुझे पूर्ण विश्वास है कि आप चाहेंगे तो कुछ भी हो सकता है। ऐसी बात आप में डिटर्मिनेशन है, देखिए कोई भी आदमी अगर जो गोल ओरिएंटेड होता है ना और किसी का काम किसी ने देखा, मैं ऐसे स्टूडियो में पब्लिकली आपके सामने बोलना इतना आसान नहीं होता है किसी के बारे में बोल देना, और चीफ कमिश्नर को ऐसे नहीं किसी के बारे में बोल देगा जाकर, मैंने जो देखा है मुंह पे नहीं बोलना चाहिए बट बोलने की आवश्यकता है कि आपसे एक इंस्पिरेशन और लोगों को मिले, क्योंकि यहाँ हमारे यहाँ इसलिए मैं ये बात बोल रहा हूँ कि जितने भी अधिकतर जो डिसेबिलिटी के क्षेत्र में जुड़े हुए हैं वो स्वयं सेवी संगठन के लोग ही तो वो हमको, मुझे आपको सुबोध जी जैसे लोगों की तरफ देखते रहते हैं, आप जो करते हैं उसमें बहुत सारे मॉडल्स उनको मिलते हैं, कुछ आपके गुण को लेते हैं और उसमें एक भावना आती है कि ये करते हैं हम क्यों नहीं करें, स्वेच्छा से कर रहे हैं, कर्मठता से कर रहे हैं, नौकरी होने के बावजूद इसको मिशन मान के कर रहे हैं। कितने लोग होते हैं जो नौकरी को मिशन मानते हैं, अगर वो 10% नौकरी वाले लोग अगर मिशन मोड में काम करने लगे तो मैं नहीं समझता हूँ कि हम लोग को इस तरह की चर्चा करने की भी जरूरत पड़ेगी। धन्यवाद, उसमें आप भी हैं, मैंने देखा है आपका भी सेंटर। अब हमारा जो एक प्रॉब्लम आती है, मनोज जी हम आपसे ये बात करना चाहते हैं कि ये जो हमारे एनजीओज हैं जो आपने बताया, छोटे छोटे एनजीओज हैं, थोड़े बड़े एनजीओज हैं, लेकिन फिर भी इनमें कैपेसिटी, जैसे हम लोग कहते हैं ना कैपेसिटी बिल्डिंग, ना ऑडिटोरियम है, ना कंप्यूटर्स है, ना स्पेशल स्कूल्स हमारे कंप्यूटर्स नहीं है, जब ये जनरल एजुकेशन सिस्टम में दिया जाता है तो ये इन सिस्टम में क्यों नहीं दिया जा सकता? आईटी लिटरेट के लिए उनको उनको कराने के लिए अलग से कोई स्कीम नहीं बन सकती है? एचआरडी में अपने स्कूल है, जितने भी स्कूल होंगे उनको कंप्यूटर दिया जाएगा, कंप्यूटर का लैब बनाया जाएगा, कहीं पर ये हमारे ये बहुत, 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 बहुत अच्छा आइडिया बिल्डिंग के लिए हमारे पास कमी है, ये बहुत अच्छा आइडिया दिया है कि हमारे हर एनजीओ के पास 10 कंप्यूटर लग जाए, वो भी अपने बच्चों को जो पढ़ सके लैब बन सके, ये कैपेसिटी बिल्डिंग। अगर आप किसी आप बोलते हैं कि 3% फंड जो हर मिनिस्ट्री देती है, अगर आप कहीं से कोशिश करें तो हमारे सभी जितने भी, आपने बड़ा अच्छा सुझाव दिया और
इसी यही परिचर्चाएं में अच्छी अच्छी बातें निकल कर आप मुझे एक इसके संबंध में एक पत्र लिखें और मैं कोशिश करूंगा कि हर राज्य में लिखूं उनके सर्व शिक्षा में इन विद्यालयों को विशेष विद्यालय को भी वो सपोर्ट करें और अडॉप्ट कर लें। जी हमारा ये कहने का मतलब है जब एक तरफ कहा जाता है कि बच्चे का राइट है फ्री एजुकेशन, कुछ बच्चे जो वहां नहीं पढ़ पाए लेकिन बच्चा तो पढ़ रहा है, तो जितने भी बच्चे पढ़ रहे हैं हर स्टेट को कुछ ना कुछ उसमें सपोर्ट करना चाहिए। स्कूल के बच्चों को आप कंप्यूटर देते उनको भी दीजिए, वो भी हाई स्कूल तक है, वो कहीं पर हमने आपस में वो द्वेष जैसा हो गया। ये तो भाई एनजीओ का स्कूल है, हमको बिल्डिंग से मतलब नहीं है, हमको मतलब होना चाहिए बच्चा हमारा कहाँ पढ़ रहा है, हम नहीं पढ़ा पा रहे, अगर ये पढ़ा रहे तो उनको मदद करें उस ढंग से। सर्व शिक्षा का उद्देश्य है कि सभी बच्चों को शिक्षा में शामिल करना, तो किसी तरीके से वो बच्चा घर में बैठ के पढ़ रहा है, विशेष विद्यालय में पढ़ रहा है। और सर्व शिक्षा जो आपने सही कहा कि कोई एनजीओ मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस सपोर्ट कर रहा है तो हम नहीं करेंगे, ये बात और ये जो आ रही है वो ठीक नहीं है। जब हम घर में इटनरेंट टीचर को भेज के विकलांग बच्चों को पढ़ा रहे हैं जी, जी। तो अगर वही बच्चा किसी विशेष विद्यालय में पढ़ रहा है तो हम क्यों नहीं पढ़ा सकते, हम अलग टीचर बहाल कर रहे हैं कि उसको घर में पढ़ाए, और वो बच्चा अगर किसी विद्यालय में कोई एनजीओ अगर लेके आ रहा है उस बच्चे को पढ़ाने के लिए तो आप क्यों नहीं उसके इंफ्रास्ट्रक्चर, कभी कई बार ऐसा इंप्रेशन अच्छी तरीके से उसको पढ़ाया जा सकता है। हमने एक और भी देखा है, चर्चा करते समय बताना चाहता हूँ, कई लोगों ने ये सोच लिया कि एनजीओ खराब है। अरे आप अपने मन में एक विचार बना लेते सब एनजीओ खराब है, ऐसा तो नहीं होता समाज के, हम खराब खराब और अच्छा ये डेफिनेशन का पहलू है। तो आप भारत सरकार में हैं, भारत सरकार का जहां तक मैं समझता हूँ ये हमारा कर्तव्य है कि जाके देखें कौन सा अच्छा है, उसको मदद करें, फैसिलिटेट करें, वो और 10 लोगों को और बढ़ाएगा, 10 लोगों को और मदद करेगा। उस तरीके से कहीं ना कहीं हमारी सोच में थोड़ी सी वो कमी है। बिल्कुल बिल्कुल, मेरा ये कहना है कि खराब और अच्छा जो है ना जीवन का पहलू है, हर व्यक्ति में, हर समाज में, हर संस्थान में अच्छा और खराब दोनों है। अब सवाल है कि अच्छे लोग खराब को क्यों नहीं अच्छा कर सकते हैं? आप विकलांग बच्चों को सशक्त करने की बात कर रहे हैं, उसे सुदृढ़ करने की बात कर रहे हैं, उसे गुणवत्ता लाने की बात कर रहे हैं, डिग्निटी देने की बात कर रहे हैं, और कोई संस्था अगर आप कह रहे हैं आपके मन में खराब है वो हेल्प कर रही है, आप नहीं हेल्प कर रही है, खराब है, खराब का मतलब वो पैसा लेता है, काम नहीं करता, सीधा बात हम ऐसे बोलते हैं, तो आप क्यों नहीं उसको परस्यू कर सकते हैं कि तुम अच्छा काम करो? आप उसको रोज जाए उसके यहाँ क्या करेगा फिर? बिल्कुल से वो बिल्कुल तो ऐसा थोड़ी हो सकता है, कोई भी आदमी क्या बोलेगा मैं नहीं करूंगा, नहीं करेंगे वो है? अगर हम मॉनिटर करेंगे की जाए तो वो काम करेंगे। तो अभी हमने एक उसके लिए सिस्टम एक बनाया है जो हो सकता है आपको लाभ मिले, उसका हम लोग इस पे कर रहे हैं कि हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि हर स्टेट में अपना एक नेटवर्क अपने ऑफिस का बनाए, तो उससे मॉनिटरिंग में सुविधा होगी, हमारे मंत्रालय को भी होगी, एचआरडी मिनिस्ट्री को भी, आरसीआई को भी होगी। और हम एक आपसे एक गुजारिश करना चाहेंगे कि जितने भी हमारे कमिश्नरेट हैं 3500 राज्य और वहाँ आप DRS सिस्टम लगवा दें, अवश्य लगा देंगे। तो वहां लगाने से क्या होगा लाभ? हम तो इन्फॉर्मेशन ही देना चाहते हैं, मंत्री जी ने जो हमको दिया है कि एनजीओस को बढ़ाओ, सेंटर्स को बढ़ाओ, जो हमारा है DRS पे लगने से क्या होगा, कुछ लोग जो वहां आएंगे उनको इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी, तो ये आपको इन्फॉर्मेशन अच्छा नहीं, वहां पर जैसे हम कर सकते हैं ना कमिश्नर से हम लोग डायरेक्ट, आप जैसे आपको भेजा किसी को आपने जी जी, आपको नहीं आ रहा है तो यहाँ से कमिश्नर को बोलेंगे, यहाँ से आप उनसे वार्तालाप कर सकते हैं, नहीं आ रहा है उसका जी, हाँ यहाँ से मैं बात करूंगा, बहुत अच्छा विचार है भाई, क्यों नहीं आप किसी और महीना में एक दिन हम लोग बात करेंगे। हम हमको उम्मीद है कि हमारा मैनेजमेंट जो हमारे चेयरमैन साहब वगैरह है इस पे बहुत जल्दी ये चाह रहे हैं ना कि वो जैसे कमिश्नर से कई बार होता है कि इसे क्वासी जुडिशियल फंक्शन परफॉर्म करने में डिफिकल्टी आती है, हर लोग जो नया कोई बहाल हुआ तो उसको टाइम लगता है। हमको खुशी इसलिए है कि हमारे इस माध्यम पे जो और भी कई लोग सुन रहे होंगे आपको, वो उसी समय तुरंत आपसे क्वेश्चन कर लेंगे कि देखिए साहब आपके इस कमिश्नरेट में जो आपने बोला कि हमारा महाराष्ट्र में इस कमिश्नरेट में, वो बताएगा कि क्या हो रहा है, तो बहुत अच्छा आपने सुझाव दिया, दिवस उसमें निर्धारित कर देंगे जहाँ की सभी जगह ही देखा जाए, या तो मैं आऊं या फिर डिप्टी चीफ कमिश्नर आए उस दिन निश्चित रूप से, एक दिन भी अगर आप आ जाएंगे तो उससे हमारे जितने डायरेक्ट ग्रीवांस रिड्रेसल करेंगे हम लोग, वही फोन इन रहेगा हर स्टेट से, वहां से पब्लिक कमिश्नर के ऑफिस में बैठेगा और वहां से वो ग्रीवांस वहां से रेज करे और हम लोग वही कमिश्नर को इंस्ट्रक्शन देंगे यहाँ से कि आप ये काम कीजिए। सर सुझाव काफी अच्छा अच्छा अपना, हमको उम्मीद है
हमारे चेयरमैन साहब हमारे मैं आपको एक पत्र भेज दूंगा इस आशय का और रिकॉर्डेड तो आपका हो ही गया, ये आप अपने चेयरमैन साहब को चर्चा करने के लिए सभी के लिए है जो हम लोग कर रहे हैं वो सक्सेसफुल हो जाएगा। सेकंड फेज में मैं कहूंगा 620 जिला में लगवा दें, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के ऑफिस में, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के ऑफिस में, चूंकि वो मेरा एडिशनल कमिश्नर डिसेबिलिटी होता है तो उसे कम से कम ये हमेशा है, कई डिसेबिलिटी वो तो जानते ही नहीं है कि हम डेजिग्नेटेड है एडिशनल कमिश्नर। अच्छा, तो आरसीआई के द्वारा अगर लगा रहेगा एक डीआरएस तो उनको कम से कम ये एहसास होगा कि हम इस विभाग के हम एडिशनल कमिश्नर हैं। जवाब बहुत अच्छा है, हम इसके लिए मिनिस्ट्री को लिखेंगे अगर हमको बोलते हैं कि 620 जगह पे लगाना है, क्योंकि वो मंत्रालय का उसमें थोड़ा सा नहीं, हम 35 तो आपको अभी कह रहे हैं फर्स्ट फेज, तो ठीक है। बाकी जो डीएम की जगह पे और जगह बताया आपने उसमें मैं 70 जिले में आपको मांगूंगा, क्योंकि 70 जिले में हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि 70 जिलों में हर राज्य में दो दो जिले में हम एक आदमी नियुक्त करेंगे वहां। नहीं, हम तो ये उम्मीद ये करते हैं कि हमारा इस चैनल के द्वारा, क्योंकि हम बेस्ट एक्सपर्ट बुलाते हैं, अगर ये ब्लॉक सेंटर्स पे लगवा दिए जाए, ब्लॉक रिसोर्स सेंटर जो लगते हैं, तो उनकी जो डिफिकल्टीज है टीचर्स की ट्रेनिंग की, जो भी प्रॉब्लम आती है वो हम यहाँ से सॉल्व कर सकते हैं। तो अगर वो नहीं, जो नेटवर्किंग हम लोग शुरू कर रहे हैं शायद उसमें हम लोग सक्सेसफुल होंगे और कन्वर्जेंस की बात होगी, हमारा और आपका तालमेल रहेगा आरसीआई का और चीफ कमिश्नर डिसेबिलिटी के ऑफिस का, तो निश्चित रूप से बात काफी आगे बढ़ेगी, लोगों को लाभ होगा, सशक्तता आएगी, इसमें मुझे वही हमारा काम ही वही है कि इनका जो अधिकार है वो उनको पूरा दिलाने में हम जितना मदद कर सके, ऐसा नहीं। दूसरा मैं आपको और खाली मदद, एक और आपसे घड़ी देख रहे हैं, मैं एक लास्ट बता देना चाहता हूं, बहुत इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट है जी सर जी, क्योंकि देखिए आज देखिए हर जगह एक आवाज उठ रही है, आज भी अखबार में मैंने देखा था कि इंडिया गेट पे धरना होगा, प्रदर्शन होगा कि एम्प्लॉयमेंट नहीं हो रहा 3%। तो मैंने एक जो स्टैटिस्टिक्स देखा है कि 9% से ज्यादा लोग, 9% ही लोग हैं विकलांगजन जो कि मैट्रिक या सेकेंडरी लेवल या उससे ऊपर एजुकेशन प्राप्त कर चुके हैं, अदरवाइज बाकी सब उससे कम है। तो हमें लोग नहीं मिल रहे हैं और इमीडिएटली हमें चाहिए पॉवर्टी एलिविएशन, बीपीएल के नीचे हैं बहुत लोग, बहुत बड़ा जो परसेंटेज है वो बीपीएल के नीचे है, तो वहाँ पे जो पॉवर्टी एलिविएशन स्कीम्स है सरकार की उसको 3% मैंडेटरी प्रोविजन है, उसके यूटिलाइजेशन का स्टेटस है विभिन्न स्कीम में 0.37 से लेकर 1.07%, मतलब 3% के अगेंस्ट, वो कह रहे हैं ना आप 3% से ज्यादा चलने दें या उतना, तो हम तो 3% और जितना हमारा है उतना ही यूटिलाइज नहीं कर पा रहे हैं। उसमें ट्रेनिंग के लिए ईयर मार्क किया हुआ 10%, तो हम कर सकते हैं अगर हमको, तो 10% का मैं पहले यूटिलाइजेशन का स्टेटस बता दूं 0.01%। हम तो चाहते हैं हम आपके द्वारा एक स्कीम, कुछ नहीं हुआ फिर तो हम क्या कर सकते हैं, देखिए हमारा काम है ट्रेनिंग देना, हम वैसे ट्रेनर तैयार करेंगे जो हमारे प्रोफेशनल्स हैं इस फील्ड में ट्रेनिंग देंगे, जिससे वो बच्चों की जॉब ट्रेनिंग दे सकें, जितने आईटीआईज हैं उनके इंस्ट्रक्टर को हम ट्रेनिंग दे सकते हैं, तो हम आपके द्वारा एक स्कीम भेजते हैं। मैं एक पत्र लिखना चाह रहा हूं, सेक्रेटरी जो रूरल डेवलपमेंट के हैं जी जी, कि आरसीआई मॉड्यूल देगा और हर जिले में हम ट्रेनिंग करवाएंगे, हमारे पास प्रोफेशनल्स हैं, हमारे एनजीओ हर जिले में वो अपने फंड से इंफ्रास्ट्रक्चर बना के दें, हम उसी 10% फंड से और इंक्लूसिव ट्रेनिंग दें, इंक्लूसिव बेसिस पर, ये नहीं कि खाली विकलांग वहां, क्योंकि हमने देखा है ना कि माइग्रेशन का जो कम है विकलांगों का, तो अनस्किल जॉब के लिए भी उन्हें स्किल की जरूरत है, जैसे उसको एडेप्टेशन सिखाना समझ गया, अब एक हाथ है लोकल, एक हाथ से आपको लोकल नीड के बेसिस पे जहाँ पे वो कंज्यूम हो सके, जहाँ पे जा सके, जैसे आम आदमी गांव का बच्चा है हमारा, कई बच्चे गांव से बाहर नहीं जाते, गांव में है तो वही ट्रेनिंग दिया, ट्रेनिंग दी जा सकती है, एनआरजी है, एनआरजी में अब उसको काम नहीं मिलता है इसलिए उसको काम, अगर आप कहें तो हम आपको एक स्कीम बना के देते हैं, आप मैं बिल्कुल बिल्कुल ठीक है, मतलब एनआरजी में काम इसलिए नहीं मिल रहा है बच्चों को क्योंकि उनके पास अनस्किल्ड काम करने का भी स्किल नहीं है। अब जैसे कुदाल चलाना है, आप एक हाथ से कैसे कुदाल चलाएंगे, वो जब तक नहीं सिखाया जाएगा उसको वो कहां से बच्चा जानेगा, तो अनस्किल्ड जॉब के ट्रेनिंग के लिए भी स्किल की बहुत ज्यादा दिन का जरूरत नहीं है, 3 दिन से लेके 30 दिन तक का ट्रेनिंग हो सकता है और वो आरसीआई बखूबी निभा सकती है। आपके हमको आपके बनाना है, प्रोफेशनल्स को ट्रेन कर देना है कि इस जॉब के लिए इनको ट्रेनिंग दी जाए, वो एनजीओ अपना करवाता रहेगा जी, आपका काम खाली है मास्टर ट्रेनर बना दिए, उसके बाद वो ट्रेनिंग कराते हैं। आप एक प्रपोजल दें और मैं इस आशय का पहले ही उन्हें कहता हूं और उनसे हम डायलॉग शुरू करते हैं कि इसको हमने जो अपना इवेल्युएट किया है मॉनिटरिंग में, ये देखा है कि यूटिलाइजेशन
0.01% था। आपने कहा और हम इस पर डेफिनेटली आप करें और मैं कोशिश करूंगा कि इसमें हम लोग कहीं सफल हों, जो कि विकलांग बच्चे जो गांव में रह रहे हैं उनके लिए भी कुछ अवसर बने, बराबर के अवसर बने। और वो एनआरजी एक्ट है वो तो आप जानते हैं कि उसमें सबको एम्प्लॉयमेंट मिलना जी, और इन्हें नहीं मिल पाता है कि ये काम नहीं कर सीख नहीं पाए, उनको सीख नहीं पाए हैं और वो शर्म से नहीं जाते हैं काम मांगने के लिए, हमने ये देखा है। चलिए आपने बोला यही भावना आती है, नहीं नहीं वो देखता है कि सब लोग काम करेगा हम क्या करें, तो उसमें उसको जो कहीं कहीं हमने परस्यू किया, एक राज्य में हमने परस्यू किया तो उन्होंने जॉब आइडेंटिफाई कर दिया एनआरजी में, उन्होंने कहा कि जो जॉब में जो अटेंडेंस भरने वाला काम होता है विकलांग लोगों को दे दिया। चलिए सर जाते जाते सर एक बात और बताइए सर, आप बहुत सारे कैंप ऑर्गेनाइज करते हैं, मोबाइल कोड वो क्या होता है बेसिकली, क्या करते हैं? जब मैं यहाँ आया जी पहले चीफ कमिश्नर 3.5 साल पहले जी, तो मैंने देखा कि 8 सालों में मात्र 6,000 मामले हमारे यहाँ दर्ज थे। अच्छा 8 वर्षों में। तो हमने कहा कि अपने देश में यहाँ हम लोग दिन भर शिकायत करते रहते हैं, हमारे यहाँ शिकायत ही नहीं है। तो मैंने सोचा कि इनको प्रॉब्लम है कि यहाँ हम तक नहीं पहुंच सकते ना राज्य में पहुंच सकते हैं, तो हमने आउटरीच करना शुरू किया और ग्रामीण क्षेत्र में जाकर वहीं हम जाते हैं, कोर्ट लगाते हैं कमिश्नर जो स्टेट का है उसके साथ, और जो जितने संबंधित जिला या राज्य स्तर के अधिकारी होते हैं विभिन्न विभाग को, वहीं उसी दिन एडवांस समन रहते हैं, सभी लोग सभी वहीं रहते हैं, वहीं कंप्लेन होता है, वहीं आदेश पारित होता है और वहीं इम्प्लीमेंट होता है, ये मोबाइल कोड होता तो है। और आपका ये कहने का मतलब है कि ये खुद जाके कर रहे हैं तब ये काम हो रहा है, उनके द्वार पे जा रहे हैं। इसी तरीके से देखिए जो अभी इन्होंने बताया, हमने वही बोला ना डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट, बाकी लोग कर, हमको भी हट के निकलना पड़ेगा, अपनी कुर्सी छोड़ के जाना पड़ेगा, हम भी कर रहे हैं सर। लगभग 1.5 साल में 13,000 केसेस हमने किया। ग्रेट, बहुत अच्छी उपलब्धि। अभी हमारे कोर्ट का 6,000 से बढ़ के 19,000 प्लस हो गया है मुकदमे की संख्या, कंप्लेन की संख्या, जो कंप्लेन जो ग्रीवियंसेस इसको रिएड्रेस किया जा रहा है। 8 साल में जो हुआ था वो 3 साल में उसका 3 गुना हो गया, 312.5% इंक्रीज इन ग्रीवियंसेस। तो यानी कि चाहते हैं कि ग्रीवियंसेस ही आए, आप उनका वहीं पे करते ग्रीवियंस ना आए, तो वही करने जाते हैं ना कि वहां जाते हैं और वही ऑन द स्पॉट सारे ऑफिसर्स रहते हैं, जैसे इंदिरा आवास योजना के द्वारा अपने इसीलिए कहते हैं कि सारे पेरेंट्स को बोले जिसकी जो ग्रीवेंसीज है सीसीडी के पास भेजें और उनके उस जगह पे जाएंगे। सर ग्रीवेंस इसलिए बढ़ रहे हैं कि उनका निपटारा कर रहे हैं, निपटारा अगर नहीं करते पहले वो नहीं आता, लेकिन उन्हें मालूम ही नहीं था कि मेरा ग्रीवेंस सुनने वाला कोई होता है, कहां मालूम कि चीफ कमिश्नर क्या होता है। अच्छा लगा कि सचिव महोदय यहाँ से छोड़ के वहां जा रहे हैं और उनका भला कर रहे हैं, यही चाहिए आज के समाज में जो हम बोल रहे हैं, माइंडसेट जो है वो यही है, हमको अपनी जगह से हटना पड़ेगा, हमको सरकार ने ये कार्य दिया है, हमको अपना कार्य करना है। अगर जब से हर हम लोग ये कर लें तो जो आप कह रहे हैं कि इनके पास सर्विसेज नहीं पहुंच रही, कल से पहुंचने लगेंगे। और वहां पर हो गया है इससे क्या, एक मोबाइल कोड करने से हो जाता है कि कॉन्फिडेंस लेवल इतना बढ़ जाता है क्योंकि उसको राइट का ज्ञान, राइट का ज्ञान हो जाता है, वो धरना देते हैं, प्रदर्शन करते हैं, बोलते हैं सर्टिफिकेट मेरा बनाओ आज, वो घेर लेता है चीफ, उसको मैनेजर को, बैंक मैनेजर को घेर लेगा कि हमारा लोन सैंक्शन करो, नहीं करोगे तो। पूर्णिया में एक केस आया, पूर्णिया में वहां पे विकलांगों को नहीं दे रहा था सेल्फ हेल्प ग्रुप के लिए वो मैनेजर, उसने घेरा डाल दिया वहां, बोला सुबह सुबह चला गया सब सुबह में वहां और बोला कि आप मेरा लोन पे दस्तखत करो तब हम अंदर बैंक को घुसने देंगे आप, दिया लोन उसने, और वो मैनेजर ने बताया कि इससे बढ़िया रिपेमेंट किसी ने की जी, इसलिए उसने सर्टिफिकेट जहां जाता है वहां सर्टिफिकेट आप दीजिए, नहीं कैसे देंगे। अब होता क्या है, 3 डॉक्टर का बोर्ड है, एक डॉक्टर आज नहीं आया तो नहीं होगा, तो नहीं होगा, कोर्ट नहीं होगा, मतलब वो कंपनी होगा, सर्टिफिकेट नहीं मिलेगा। अब डॉक्टर साहब आएंगे तब ना जांच करेंगे। अब ऑर्थोपेडिक किसी को हाथ नहीं है, कान का डॉक्टर अगर नहीं आया तो सर्टिफिकेट इशू नहीं होगा। तो अब सब सुधर गया है, पहले से ठीक है। तो ये राइट बेस्ड अप्रोच जो है बहुत जरूरी है, लोगों को ज्ञान होना और कॉन्फिडेंस आना कि ये मेरा है, हक है, हमको कोई एहसान नहीं कर रहा है देखे, ये सबसे बड़ा मैसेज होता है उस मोबाइल कोड का, और कुछ नहीं होता है इससे, और इतने ही से बहुत काम हो जाता है। सर आरसीए भी आपके पैटर्न पर हम लोगों ने सर बताना चाहेंगे रजिस्ट्रेशन के बारे में सर। ये कई जगह से हम लोगों का क्या था कि एक सेक्शन है सेक्शन 30 जो दिया हुआ है कि आप इसमें काम नहीं कर सकते जब तक कि रजिस्ट्रेशन ना हो, और मजबूरी होती है, लोग पास होकर चले जाते हैं, काम करते हैं, उनको समय नहीं मिलता, उन्होंने अप्लाई नहीं किया, तो अब आज करेंगे कल करेंगे। एक दो जगह जहाँ पे देखते हैं कि ज्यादा एप्लीकेशन जिस क्षेत्र में ज्यादा इंस्टीट्यूशंस हैं वहाँ पे जाके छोटा सा एक कैंप लगाते हैं 3-4 दिन, जिससे
जितनी जल्दी हो सके उनके सर्टिफिकेट इशू करें ऑन द सेम डे ऑन द स्पॉट। बाद हम कोशिश ये कर रहे हैं कि ऑनलाइन हो जाए, बच्चा हमारे हम एग्जामिनेशन बोर्ड बनाया है, एग्जाम पास करेगा उसका सर्टिफिकेट रजिस्ट्रेशन वगैरह ऑनलाइन होना शुरू हो जाएगा, ये हमारा ड्रीम है, धीरे धीरे हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा। टेक्नोलॉजी इतना एडवांस कर गया, अगर हम लोग नहीं जल्दी अगर स्पीड बढ़ाएं तो इसके बाद तो कुछ नहीं हो सकता। टेक्नोलॉजी का हम वही कह रहे हैं सदुपयोग है, एनजीओ को सर्विस सेंटर्स को कंप्यूटर और ये टेक्नोलॉजी का जो बेसिक इक्विपमेंट्स है वो पहुंचवा दें। तो हम आपने कहा आप एक पत्र मुझे लिखे इस आशय का कि उन जो भी आपके एनजीओ हैं उनको सर्व शिक्षा से सपोर्ट मिले ऐसे बच्चों को पढ़ाने के लिए, मैं इसको टेकअप करूंगा। सर जैसा कि हमने देखा कि आज के इस वर्ल्ड डिजेबल डे के अवसर पर हमारे साथ जो दो मुख्य विशेषज्ञ थे डॉक्टर जेपी सिंह और डॉक्टर मनोज कुमार ने जो कि दोनों गवर्नमेंट ऑफिसर्स हैं और इस क्षेत्र में कई सालों से काम कर रहे हैं, इनका सुझाव हमने देखा, इन पर चर्चा किया और ख़ासकर जो कुछ विशेष बातें जो चर्चा में निकल कर आई हैं वो पहली बात है जैसा कि कमिश्नर साहब ने कहा जो RCI सर्व शिक्षा अभियान की जो पॉलिसी बुक्स है उनको स्टडी करें और उसके आधार पर अगर कोर्स करिकुलम डेवलप करें जिससे मॉड्यूल्स डेवलप करें जिससे कि मैन पावर को जॉब मार्केट मिल सके, यानी इनका सुझाव काफ़ी अच्छा रहा और हमने इसको नोट भी किया है, हम और हमारे सदस्य सचिव ने भी इसको अप्रिशिएट किया है, हम लोग ऐसा काम करेंगे, ऐसा इस पर आगे एक्शन लेंगे। दूसरी जो चर्चा एक खुल के सामने आई जो कैपेसिटी बिल्डिंग ऑफ NGOs के बारे में, जैसे कि हमारे सदस्य सचिव ने CCD साहब को सुझाया है जो खासकर जो स्पेशल स्कूल्स में NGO छोटे NGO के पास में कुछ अगर कंप्यूटर सिस्टम की बात करें, IT फील्ड में कुछ ग्रूमिंग की बात करें, इस प्रकार के बच्चों को एम्पावरमेंट करने की बात करें तो अगर कुछ कमिश्नर साहब के थ्रू चूँकि डायरेक्टली पर्सन विद डिसेबिलिटी के एम्पावरमेंट के लिए CCD के परव्यू में आता है तो ये कुछ ना कुछ अपने स्तर पर इन पर कुछ काम कर सकते हैं जिससे कि बच्चों का भला होगा। इसके अलावा एक और बहुत सी कमिश्नर साहब ने सुझाव दिया RCI को जो हमारे जो 750 सेंटर अभी तो 350 हैं और 750 होने जा रहे हैं सेंटर जहाँ पर DRS इंस्टॉल किया हुआ है और हमारे इस प्रकार के जो नवशिखर चैनल के प्रोग्राम आप डायरेक्टली देख पा रहे हैं हमारे DRS के सिस्टम के थ्रू, तो इनका ये सुझाव बहुत ही अच्छा रहा जो जितने भी कमिश्नरेट हैं उन ऑफिस में अगर एक DRS सिस्टम को इंस्टॉल करवा दिया जाए RCA के थ्रू और जिसमें हमारे नवशिखर के चैनल के प्रोग्राम को वहाँ टेलीकास्ट किया जाए। और पर्पस ये है जो कमिश्नर साहब ये कहना है जो हम भी यहाँ से महीने में एक दिन आकर के खास दिन ये आए या डिप्टी साहब आए आकर के कमिश्नरेट से मॉनिटरिंग कर सके और डेवलपमेंट की बात कर सके, मतलब विकलांग बच्चे हैं उनके अभिभावक हैं उनसे डायरेक्टली इंटरेक्शन कर सके, NGOs खुद हैं आके अपना कंप्लेंट कर सके, जो एक बहुत ही अच्छा स्टेप होगा मतलब कि एम्पावरमेंट के लिए। और ये वर्ल्ड डिसेबल डे पे जो आपने सर ये संकल्प लिया काफ़ी अच्छा है और इसमें RCI और चीफ ऑफिसर डिसेबिलिटी ऑफिस दोनों के जो तालमेल कोऑर्डिनेशन के आधार पर जो जैसा कि अभी बात ही चर्चा हुई है एक दूसरे के साथ हम मिलकर काम करेंगे, अल्टीमेट एम RCI और CCD का एक है पर्सन विद डिसेबिलिटी और उनका हमें इनके बारे में ध्यान रखना है और मोबाइल कोड के बारे में जैसा भी उन्होंने कहा और भी इस प्रकार डेवलपमेंट की बात स्किल डेवलपमेंट के बारे में भी उन्होंने काफ़ी चर्चा की है और इन सब को लेकर के जैसा कि अभी हम इनको बुलाते रहेंगे अपने स्टूडियो में और हमारे जो ऑडियंस हैं, जो दर्शक हैं, जो पेरेंट्स हैं, प्रोफेशनल हैं, ट्रेनीज हैं और कुछ सवाल भी अगर आप करना चाहें तो आज तो मुझे पता है शायद नहीं हो पाए लेकिन भविष्य में कुछ सवाल जब ये प्रोग्राम को हम फिर से रीटेलीकास्ट करेंगे और अपने सवाल को आप सीधे हमारे कमिश्नर साहब को लिख सकते हैं और जब इनको एक प्रोग्राम फिक्स कर लें जो वंस इन अ मंथ किसी खास दिन को जी हमें भेज सकते हैं और हम आपके इस सवाल को हम सीधा इनके पास भेज देंगे। और जैसा कि अभी ये इन्होंने ऐसा सुझाव दिया है और ऐसा भी बात ये खुलकर आई है जो महीने में एक दिन अगर हम ये दिन तय करें जिससे कि इनको हम इनवाइट करें और अपना थोड़ा सा प्रेशर समय निकाल करके आप लोगों के साथ इंटरेक्शन करें तो काफ़ी कुछ समस्या का निदान हो सकता है। और इसके साथ ही हम कमिश्नर साहब को जो कि हम फिर से धन्यवाद देना चाहेंगे जो इन्होंने अपना काफ़ी बिजी शेड्यूल में से चूँकि आज भी वर्ल्ड डिजेबल डे है उसमें से बिजनेस शेड्यूल में सर नसमी निकाल कर हमारे स्टूडियो में आए आपसे चर्चा हम लोगों से चर्चा किया इसके लिए सर आपको धन्यवाद और सर आप आए आपको भी धन्यवाद सभी दर्शकों को धन्यवाद सर।